Hello, all of you. I hope you all are doing good. How are So Neil, I am all fine, beta. I am all good. I hope you all are also doing good enough. Exams ke exactly Exactly one month is left for your exams from tomorrow. Now, what is the purpose of today's session? There are टू परपज ऑफ टू डे से वन इज टू गिव यू अ प्रैक्टिकल एक्सपोजर विथ रिस्पेक्ट टू टैक्स ऑडिट एक टैक्स ऑडिट करते समय आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भरते समय क्या क्या चीजें दिमाग में याद रखनी चाहिए वॉट ऑल थिंग्स है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दिस इज द फर्स्ट थिंग क्योंकि कितने सारे लोग है सी बन जाते हैं लेकिन पता ही नहीं होता टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में करना क्या है सर लिखना क्या है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, लिखना है कौन से क्लॉज को फिल करना है किसको नहीं फिल करना है कौन सा रेलिवेंट है कौन सा इरेलीवेंट है ठीक है तो एक नॉलेज के लिए जरूरी है दूसरा आपके सी फाइनल के ऑडिट पेपर के अंदर ऑडिट पेपर के अंदर एक पूरा का पूरा चैप्टर है ऑन टैक्स ऑडिट आई होप यू नो दैट अब तक तो पता चल ही गया होगा अगर आप जुलाई में एग्जाम देने वाले हो तो राइट there is one dedicated chapter on tax audit where they have discussed all the clauses of tax audit report in detail so i will try to discuss from practical perspective as well as from academic perspective in front of you all so shall we start i'll be trying to keep the session very interactive to the extent it is possible मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा आप लोग अगर जवाब दे सकते हो तो दे देना इन द चैट बॉक्स ठीक है सो अस स्टार्ट विद द डिस्कशन नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग ये चीज क्लैरिफाई करते हैं कि एक एस के लिए टैक्स ऑडिट जब एप्लीकेबल हो जाता है ठीक है अब मैं टैक्स ऑडिट कब एप्लीकेबल होता है उसके अंदर नहीं घुस रहा हूं एक एस सी के लिए टैक्स ऑडिट कब एप्लीकेबल है उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन फोर्टी फोर ए बी राइट और सेक्शन फोर्टी फोर ए बी में अलग अलग क्लॉज है अगर आपका टर्न ओवर एक करोड़ क्रॉस हो जाएगा तो आपके लिए टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है बिजनेस के केस में प्रोफेशन के केस में अगर आपका ग्रॉस रिसीट या टर्न ओवर या सेल्स जो भी बोलते हो अगर वो फिफ्टी लाख क्रॉस हो जाएगा तो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है और भी केसेस है टैक्स ऑडिट इज एप्लीकेबल टू एन एस एस सो so, मान लो इफ अ टैक्स ऑडिट इफ अ टैक्स ऑडिट इज एप्लीकेबल टू एन देन इज उसके वीशनिगेशन क्या है मान लो मेरा टर्नओवर अगर एक करोड़ क्रॉस हो जाता है तो मेरे क्या है? मेरे क्या कि मुझे एक CA से चार्ट अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भरवाना पड़ेगा एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इज फिल्ड इन टू फॉर्म फॉर्म थ्री सी एर फॉर्म थ्री सी बी ये दोनों में से किसी एक फॉर्म में आपको टैक्स ऑर्डिट रिपोर्ट भरना होता है नाउ बाय एनी चांस इफ यू नो दैट वेन टू फिल फॉर्म थ्री सी एर वेन टू फिल फॉर्म थ्री सी बी कौन फॉर्म थ्री सी ए भरता है और कौन फॉर्म थ्री सी बी भरता है अगर कोई एनी चांस अगर आप बता सकते हो तो बता दो प्लीज किसी भी चांस से अगर आपको पता है तो फॉर्म थ्री सी ए किसके लिए रेलिवेंट है और थ्री सी बी किसके लिए रेलिवेंट है जोशाह ने बोला फॉर कंपनी इट इज थ्री सी एंड फॉर अदर्स इट इज थ्री सी बी इज इट सो द आंसर इज नो जो शाह योर आंसर इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट योर आंसर इज पार्शली करेक्ट थ्री सी ए किसके लिए है सुन लो अच्छे से थ्री सी ए उन लोगों के लिए है जो किसी और कानून में ऑडिट करवाते हैं किसी और कानून में ऑडिट करवाते हैं उनके लिए फोर्टी फोर ए बी में ऑडिट करवाना अलग से जरूरी नहीं है जैसे एग्जाम्पल कंपनी आप बोल सकते हो कि कंपनी सी ए भरेगी या कोई और अससी फॉर एग्जाम्पल एल एल पी अगर वो किसी दूसरे कानून में ऑडिट करवा रही है तो फिर उसको सी ए भरना पड़ेगा लेकिन जिसको जैसे जो भी रेगुलेटेड अथॉरिटीज है ना जैसे कंपनीटेड अथॉरिटीज एल एल पीज रेगुलेटर अथॉरिटीज ट्रस्ट आर अथॉरिटीज उनको किसी ना किसी कानून में ऑडिट तो करो मैं तो एक इंसान हूं क्या मेरे ऊपर किसी दूसरे कानून का ऑडिट एप्लीकेबल है क्या बिल्कुल नहीं एप्लीकेबल है तो अगर मेरे ऊपर किसी दूसरे कानून का ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो फिर मेरे लिए फॉर्म थ्री सी बी एप्लीकेबल अरे आर यू क्लियर विद अगर थ्री सी ए अगर आप थ्री सी एर थ्री सी का हेडिंग ही पढ़ोगे ना उससे ही आपको आइडिया लग जाएगा थ्री सी का हेडिंग पढ़ो ऑडिट रिपोर्ट अंडर 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इन अ केस वेयर द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ अ पर्सन है अगर किसी और लॉ में ऑडिटेड है तो फॉर्म थ्री सी ए है और अगर आप किसी और लॉ में ऑडिट के लिए लायबल नहीं हो जैसे कंपनी लॉ में लायबल नहीं हो ट्रस्ट के लॉज में लायबल नहीं हो एल एल पी लॉ में लायबल नहीं हो तो फिर आप in, जैसे आप मैं इंडिविजुअल हूं तो मैं किसी और लॉ में लायबल नहीं हूं मैं अपना अगर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भरता हूं तो मैं फॉर्म थ्री सी बी भरता हूं तो यहां पर पढ़ना ऑडिट रिपोर्ट अंडर फोर्टी फोर एबी ऑफ द इनकम पर्सन रेफर टू इन क्लॉज बी ऑफ सब रूल वन ऑफ रूल सिक्स जी अब आप थ्री सी ए उससे फर्क नहीं पड़ता है दोनों केस में आपको एक एनेक्स्टर देना पड़ेगा एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा डिटेल एनालिसिस देना पड़ेगा इन दोनों के दोनों केस में इन फॉर्म थ्री सीडी तो फॉर्म थ्री सीडी दोनों के लिए एप्लीकेबल है यह सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट अलग हो जाता है थोड़ा सा अब फॉर्मेट क्यों अलग होता है वो भी बताता हूं लॉजिक अब मेरे को आप लोग ही बताओ ये कौन भरेगा कंपनी भरेगी बराबर तो मेरा आपसे एक लॉजिकल क्वेश्चन है अगर इसका आंसर दे सकते हो तो दे दो चलो तीन साल आर्टिकल चिप किया सीए फाइनल भी पढ़ा है ठीक है चलो इसका आंसर दे दो अगर बहुत ध्यान से सुनना एक क्वेश्चन के अंदर बहुत गहराई है अगर मैं एक एससी कंपनी ठीक है देन एम आई लायबल फॉर ऑडिट एज पर कंपनी लॉ द आंसर इज यस डेफिनेटली एवरी कंपनी इज लायबल फॉर ऑडिट अब अगर मैं स्टैच्यूटरी ऑडिट के लिए लायबल हूं बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना तो मेरे को बताना स्टेचुटरी ऑडिटर्स ने आके टाइम पास किया होगा पूरे साल कुछ ना कुछ ऑडिट ऑडिट किया होगा मेरा सब लेजर वेजर बैलेंस शीट बैलेंस शीट पीएनएल वीएनएल ये सब चेक किया होगा बराबर तो अब मेरा आपसे सवाल है क्या इनकम टैक्स लॉ के अंदर फोर्टी फोर ए बी के अंदर क्या मुझे फिर से ऑडिट करवाना जरूरी है क्या ये मेरा सवाल है बहुत ही बारीक क्वेश्चन है बोलिए बाय एनी चांस इफ यू नो द द आंसर इज बोलिए आंसर क्या है अब मेरे को मिक्स आंसर आ रहा है ठीक है मैं सबका जवाब देता हूं जो सही है उसका भी जो गलत है उसका भी एंड द आंसर इज नो मेरे को फिर से ऑडिट करवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर मैंने किसी और लॉ में ऑडिट करवा दिया है तो मेरे को ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं बहुत ज्यादा बारीकी से सुनना मेरी बात अगर मैंने किसी और लॉ में ऑडिट हो चुका है मेरा तो मेरे को इनकम टैक्स लॉ में ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है लेकिन इनकम टैक्स लॉ में सिर्फ मुझे क्या भरना है पीएनएल बैलेंस शीट को चेक करने की जरूरत नहीं है पूरा का पूरा बैलेंस शीट पीएनएल को साइन करने की जरूरत नहीं है टैक्स ऑडिटर को मुझे सिर्फ क्या चेक करना है मुझे फॉर्म फॉर्म्रीसीए भरना है जिसमें मैं पीएनएल और बैलेंस शीट के बारे में बात भी नहीं करूंगा

कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ऑडिटर को ओपिनियन देना है पीएनएल के ऊपर बैलेंस शीट के ऊपर लेकिन अगर आप थ्री सी डी देखोगे तो यहां पर साफ साफ लिखा है कि पीएनएल के ऊपर उसको सर्टिफाई करना पड़ेगा बैलेंस शीट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को अरे डिड यू अंडरस्टैंड वॉट आई सेड और सेक्शन फोर्टी फोर ए बी के अंदर भी लिखा है आप कभी मौका मिले तो फोर्टी फोर ए बी खोलना अभी यहां पर इंटरनेट नहीं है तो मैं खोल के दिखाता हूं फोर्टी फोर ए बी जो टैक्स ऑडिट का सेक्शन है उसमें भी लिखा है कि इफ एन एसएससी इज रिक्वायर्ड टू ऑडिट अंडर एनी अदर लॉ देन ही इज नॉट लाइबल फॉर वॉट ऑडिट अंडर इनकम टैक्स लॉ और यह सब छोड़ो हमारी टेक्स बुक के अंदर भी लिखा है सीए फाइनल की मैं बताता हूं आपको ठीक आप है अगर आपने मे ट्वेंटी वन का सिलेबस लिया तो यही वाली बुक होगी आपके पास ठीक है उसके अंदर भी लिखा है देखो सर यहां पर In cases where the accounts of a person are required to be audited by or under any other law before the specified date, it will be sufficient if the person get his accounts audited under such other law before the specified date and also furnished by the said date report of audit in prescribed form in addition to the report of audit required under such other law. Therefore, कान खोल के सुन लो ये कुछ बारीक चीज़ है एग्जाम में भी पूछे जाती है ये ऑडिट के अंदर टैक्स में नहीं पूछेंगे सब कुछ ऑडिट में पूछते हैं छोटा छोटा चीज इज द ससी लाइबल फॉर ऑडिट और नॉट एमसीक्यू एमसीक्यू में आ सकता है तो बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना अगर अससी ने किसी और कानून में ऑडिट कर लिया है तो फिर सीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो फॉर्म थ्रीसी डी भरे और थ्री सी ए के अंदर डिस्कलोजर दे क्या क्या गलत है मैटर क्लोज उसको पीएनएल बैलेंस शीट चेक करने की जरूरत नहीं है पूरा का पूरा ऑडिटर की तरह सर्टिफाई करने का जरूरत नहीं है लेकिन अगर किसी और लॉ में ऑडिट नहीं किया है तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट पीएनएल बैलेंस शीट ये सब भी सर्टिफाई करेगा ये सब भी चेक करेगा उस पर भी अपना ओपिनियन देगा क्वालिफाई करेगा जो करने का है करेगा और साथ साथ में वो क्या करेगा साथ साथ में ऑब्वियसली वो पूरा का पूरा थ्री सी भर के इनकम टैक्स की वेबसाइट पर अपलोड भी करेगा अरे डी यू अंडरस्टैंड प्लीज बोलिए सो दैट आई कैन गो अहेड विद द क्लॉज डिस्कशन वन बाय वन बोलिए प्लीज तो अब फॉर्म थ्रीसी ए त्री सी बी में क्या करना है थ्री सी ए त्रीसीबी में कुछ नहीं एग्जाम के लिए तो रेलिवेंट नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है अगर आपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भरा है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है यहां पर एस्टिक्स का मतलब ये है या आई लिखो या वी लिखो आई कौन लिखेगा अगर सोल प्रोप्राइटर है और वी कौन लिखेगा अगर पार्टनरशिप फॉर्म है इज इट क्लियर ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको भरने का यहां पे आई और वी रिपोर्ट दैट द रिपोर्टरी ऑडिट ऑफ मैसेज जो भी अससी का नाम लिखो परमानेंट अकाउंट नंबर लिखो या आधार नंबर लिखो उसके बाद यहां पर उसका कौन लिखेगा कंडक्टेड बाय मी एक्सेट्रा 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 ठीक है इसका इसका मतलब यहां पे अपने फॉर्म वॉर्म का नाम लिखो या अपना सोल प्रोपराइटर है तो उसका नाम लिखो फिर कब रिपोर्ट हुआ और उसके बाद में नीचे जो भी ऑब्जर्वेशन है तुम्हारे वो लिखो और यहां पर साइन करो स्टैंप मारो फुल एड्रेस लिखो किसका चार्ट अकाउंटेंट का कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है प्रैक्टिकल लाइफ में इसको आप क्या करते हो कॉपी पेस्ट बराबर क्या नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में इसको भी आप मारते हो कॉपी पेस्ट फॉर्म थ्री सीबी को हाँ थ्री सी डी में चेंजेस हो सकते हैं ईयर ईयर टू बेसिस पे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते माइनर चेंजेस होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में थ्री सी डी भी कॉपी पेस्ट है बट हम लोग कॉपी पेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्री सी डी नहीं समझेंगे एक एक क्लॉज समझेंगे उसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट है तो बताओ बेटा कब थ्री सी ए कब थ्री सी बी इज इट क्लियर किसके लिए त्रीसी ए किसके लिए त्री सी बी इज इट क्लियर इज इट क्लियर बोलिए हाँ एक और मैं डिक्लेरेशन पहले ही दे रहा हूं ताकि बाद में जाकर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो अगर आप स्टूडेंट के तौर पे ये देख रहे हो स्टूडेंट के तौर पे ठीक है जो ज्यादातर लोग स्टूडेंट के तौर पे देख रहे होंगे शायद और अगर आपका एग्जाम जुलाई में है 2021, इफ पॉसिबल और नवंबर 2021, ठीक है बराबर इफ योर एग्जाम इज इन जुलाई 2021 और नवंबर 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन विच प्रीवियस ईयर इज एप्लीकेबल फॉर यू ऑल प्रीवियस ईयर ट्वेंटी बोलिए 21, वन असेसमेंट इयर ट्वेंटी ठीक है बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना कुछ कंफ्यूजन नहीं मांगता मेरे को किसी भी तरीके का ठीक है मैं जो अभी फॉर्म थ्री सी डी बताने वाला हूं आपको फॉर्म अभी जो इसके अंदर टोटल 44 है 44 अलग अलग किस्म की रिपोर्टिंग करना है आपको फॉर्म थ्री सी डी में तो एग्जाम के लिए जो सुन रहा है वो सुन लो और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए जो सुन रहा है वो भी सुन लो पहले एग्जाम वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूं अगर आप जुलाई ट्वेंटी वन या नवंबर ट्वेंटी एग्जाम देने वाले हो तो आपके लिए प्रीवियस ईयर 2021 एप्लीकेबल है असेसमेंट ईयर 21 22 एप्लीकेबल है और ये जो फॉर्म 3CD मैं पढ़ाने वाला हूं ये बोर्ड पर जो देख रहे हो अभी आप ये अभी-अभी सीबीडीडी -अभी ने पिछले महीने अपलोड किया है वेबसाइट पे ठीक है अब मुझे बताना अगर ये पिछले महीने सीबीडीडी ने अपलोड किया है ऑबवियसली वो इसी साल के लिए होएगा ना ऑबवियसली इट विल बी फॉर प्रीवियस ईयर 2021 राइट बोलिए अरे ऑब्वियसली इट विल बी फॉर प्रीवियस ईयर 2021 ओनली ना हां तो अब क्या होगा मालूम यहां पर ना मैं मैं लेटेस्ट फॉर्म में से पढ़ा रहा हूं लेटेस्ट फॉर्म जो वेबसाइट पे पढ़ा है मैं उधर से पढ़ा रहा हूं अब क्या होगा इसके अंदर कुछ फाइनेंस एक्ट 2021 के कैन आई से रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स होंगे जो 21, 22 तो छोड़ो उसके लिए तो एप्लीकेबल होंगे इसके लिए भी एप्लीकेबल होंगे अरे यस और नो बेटा अरे हा या ना अब बहुत ज्यादा नहीं है कुछ जगहों पर है तो केयरफुल रहना मैं बता दूंगा आपको ठीक है कहां पर ऐसा है सो शैल वी स्टार्ट विद द डिस्कशन विद द फर्स्ट थिंग प्रैक्टिकल लाइफ में ये टाइम पास है फॉर्म थ्री सी है कॉपी पेस्ट फॉर्म थ्री सी बीबी कॉपी पेस्ट ठीक है अब अपने को दिमाग लगाना है तो यहां पर अब मैं ऑनेस्टली बोलता हूं अगर आप छोटे मोटे एस एस का टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भर रहे हो ना तो उसके अंदर छोटे मोटे एस एस सी के अंदर आप वैसे भी कुछ ज्यादा डिटेल में मतलब देखते नहीं हो कितनी सारी चीजें तो मैंने कितने सी एक्स के टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में देखा हूं कि अपने, उन्होंने अपने क्लाइंट के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भरा उसमें कितनी मिस्टेक्स है मेरे ही टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में मैं अपने CIA से भरवाता हूं मैंने चेक नहीं किया उसमें मैंने अभी चेक किया तो उसमें कितनी मिस्टेक्स दिखी मुझे बट अगर आप बड़े एस एस सी का ऑडिट कर रहे हो कोई लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हो कोई पब्लिक कंपनी का ऑडिट कर रहे हो कोई हजार करोड़ के पार्टनरशिप फर्म या एल एल पी का ऑडिट कर रहे हो देर इज नो ऑप्शन फॉर यू टू मेक अ मिस्टेक ओवर देर यू कैन नॉट मेक अ मिस्टेक ओवर देर इफ यू मेक अ मिस्टेक इन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कैन यू रिवाइज इट एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे कैन यू रिवाइज इट बोलिए आंसर दोनों आ रहे हैं येस और नो भी आंसर इज यस अंडर सम सरकमस्टेंस नॉट ऑलवेज और उसका भी एक टाइम लिमिट है ठीक है यस प्रदीप पांचन तीन केसेस है उसमें आप रिवाइज कर सकते हो लेकिन अभी अभी रिसेंट अमेंडमेंट आया कि किसी भी केस में रिवाइज कर सकते हो एक टाइम लिमिटेडा बट जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैंने बोला कि अब से गवर्नमेंट ने बोला है कि आप टैक्स ऑडिट रिवाइज कर सकते हो कब तक मालूम ए वाई एंड तक मतलब ये साल का टैक्स ऑडिट आप थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तक रिवाइज कर सकते हो रूल सिक्स जी के अंदर अमेंडमेंट आया कौन से हमें, रूल में अमेंडमेंट आया चेक करना रूल सिक्स जी फ्रॉम अप्रैल अप्रैल से रूल सिक्स जी में अमेंडमेंट आया ठीक है तो जस्ट नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया तो चलिए अभी सबसे पहले हम लोग एक एक क्लॉज पे बात करेंगे यही सबसे बड़ा पार्ट होता है टैक्स ऑडिट का इसको आपको भरना है फिर से बोल रहा हूं ये तो कॉपी पेस्ट है फॉर्म थ्री सी ए सबसे पहले क्या लिखोगे क्लॉज वन दीज आर क्लॉज नंबर्स टोटल देर आर 44 क्लॉसेस अंडर टैक्स ऑडिट इन फॉर्म 3CD सबसे पहले नाम लिखोगे असेससी का ठीक है ओबवियसली असेससी का जैसा नाम है वैसा ही लिखोगे कौन सा नाम लिखोगे विच नेम यू विल राइट बोलिए जरा मैं हर चीज हर पॉइंट पे डिस्कस करना चाहता हूं आप लोगों के साथ व्हिच नेम ऑफ द असेसि वी राइट मेरा नाम है आरिश खान लेकिन मेरा पैन में नाम है आरिश अयूब खान तो बोलिए मैं कौन सा नाम लिखूंगा बोलिए ना कौन सा वाला नाम लिखोगे पैन वाला नाम ठीक है ये चीज याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है Asasi has this legal name, but the, in the PAN number, the name is different. PAN card, the PAN name is different. You have to write the name which is mentioned in the PAN. Is it clear? ये छोटा सा क्लॉज है पहले कुछ बेसिक क्लॉज है पहले वो देख लेंगे अरे बोलिए ना बेटा Second address. एड्रेस में क्या लिखोगे सर एड्रेस में एड्रेस में वो एड्रेस लिखना है जो आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया है कि मेरे को यह एड्रेस पे कम्युनिकेट करने का मेरे को जो भी लेटर भेजने का यह एड्रेस पे भेजो मेरे को जो भी नोटिस भेजने का यह एड्रेस पे भेजो मेरे को जो भी ऑर्डर भेजने का यह एड्रेस पे भेजो एचयूएफ के केस में एच यू एफ का एड्रेस लिखने का कर्ता का नहीं अरे बेटा कुछ समझ में आ रहा है मैं बारीकी में घुस रहा हूं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में नहीं लिखा है सब कुछ प्रैक्टिकल लाइफ से बोल रहा हूं सुन रहे हो आप लोग तो एक सीए को एसएससी से पूछना पड़ेगा ना कि भाई तूने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या एड्रेस दिया है बता सीए सीएससी से पूछेगा भाई तूने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या एड्रेस दिया कम्युनिकेशन के लिए वो एड्रेस दे भाई मेरे को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में डालना है बुटा मुझे कैसे पता चलेगा उसका क्या एड्रेस है बेटा एक सीए को तो नहीं पता होगा ना उसका क्लाइंट का कंप्लीट प्रॉपर एड्रेस क्या है वो क्लाइंट को ही पूछना पड़ेगा और क्लाइंट कौन सा एड्रेस देगा अपने को जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसने दिया है फॉर कम्युनिकेशन अभी कुछ स्पेसिफिक केसेस अगर कंपनी है कंपनी के दो दो भी एड्रेस होते हैं एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है दूसरा एड्रेस होता है तो उनको दोनों एड्रेस देना जरूरी है अरे बेटा समझ में आया क्या क्या बोल रहा हूं समझ में आया अब मान लो अगर मैं बैंक का टैक्स ऑडिट कर रहा हूं किसका टैक्स ऑडिट कर रहा हूं बैंक का या मैं किसी एक ब्रांच का टैक्स ऑडिट कर रहा हूं तो फिर मैं, मुझे ना बेटा तो मुझे उस ब्रांच का एड्रेस देना पड़ेगा फिर अरे आर यू क्लियर हर एक पॉइंट में बहुत मगज मारी है भाई बोलिए प्लीज बोलिए इज इट क्लियर एड्रेस जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपने कम्युनिकेशन के लिए दिया है अससी को बोलो कि भाई मुझे वो आप लोग ऑडिटर हो आप ऑडिटर जैसा बिहेव करो कि भाई मेरे को एड्रेस दे जो तूने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया है और यू गिव मी दी एड्रेस कंपनी इज हैविंग मल्टीपल एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस अलग है कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है दोनों एड्रेस दो अगर किसी ब्रांच का ऑडिट कर रहे हो, ब्रांच का एड्रेस दो एच का ऑडिट कर करो एच एफ का एड्रेस लेना कर्ता का नहीं करता का एड्रेस यहां पर कोई मायने नहीं रखता है Now somebody has asked a question, what is कॉन्सिक्वेंस इफ रॉन्ग एड्रेस इज मैंशन इज नो ग्रेट कॉन्सिक्वेंस उसका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है अगर गलत एड्रेस भी दे दोगे तो बट नॉट दैट इज नॉट गुड ऑन द पार्ट ऑफ द टैक्स ऑडिटर एज वेल एज दस एस सी उसका कोई ग्रेट इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास तो जो एड्रेस है वो तो है ही लेकिन क्या होगा मालूम आगे जाकर आगे जाकर आपका टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न है ना वो दोनों ना कंपाइल होता है पता है मैंने आपको डी टी में पढ़ाया हूं दोनों मैच होता है और फिर एरर बताएगा तुम्हारा जब रिटर्न प्रोसेस होगा तब कुछ समझ में आएगा क्या बोला वीरेंद्र जब आपका रिटर्न प्रोसेस होगा तो फिर एरर बताएगा ठीक है तीसरी चीज पॉइंट नंबर थ्री परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार नंबर लिखो कौन लिखेगा सीए लिखेगा ना सीए को पता कैसे परमानेंट अकाउंट नंबर क्या है बोलिए तो भाई उससे कॉपी लेने का पैन कार्ड की और अपनी फाइल में रखने का दैट इज द करेक्ट ऑडिट वे टू डू द ऑडिट वो करेक्ट तरीका ऑडिट करने का मुझे क्या पता चलेगा कि मेरे क्लाइंट का पैन नंबर क्या है भाई वो तो कुछ भी बोलेगा तो मेरे पास एक कॉपी होना चाहिए दैट इज माई वर्किंग पेपर अरे आर यू क्लियर बोलिए प्लीज पॉइंट नंबर फोर वेदर असस इज लायबल टू पे इंडायरेक्ट टैक्स लाइक एक्साइज ड्यूटी सर अभी ये सब टाइको है सर एक्साइज ड्यूटी तो निकल गई ना मैं मानता हूं निकल गई सर सर्विस टैक्स वेदर असस इज लायबल टू पे एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स सेल्स टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा इफ यस प्लीज फर्निश द रजिस्ट्रेशन नंबर और जीएसटी नंबर और एनी अदर आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉटेड फॉर द सेम तो मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूं

2015-16 का असेसमेंट तो एक्साइज का अभी भी खुल सकता है ना बोलिए ना प्लीज मोस्ट ऑफ द केसेस में इस कॉलर इस इस डॉट डॉट में क्या आएगा जीएसटी नंबर लेकिन असेसी फिर से वही सवाल उठेगा जो जीएसटी नंबर असेसी बोल रहा है वो जेन्यून है कि नहीं है उसके उस वो कैसे पता लगाऊ मैं बोलिए बोलिए ना प्लीज उसके लिए मुझे उससे क्या मांगना पड़ेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अरे यस और नो यार उसका कॉपी लो और रखो अपनी फाइल के अंदर आई होप यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द क्लॉजे अभी आगे आगे तगड़े क्लॉज आने वाले तो अससी से क्या लो आप सी, आप सीए वहां बेटा आप ऑडिटर की कुर्सी पर बैठकर पूरा चैप्टर सुनो प्लीज तो आप बोलो उसको भाई मेरे को क्या दे तू जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करके दे वेबसाइट से जीएसटी की वेबसाइट से मिल जाता है वहां पर ठीक है बहुत इजी है लॉग इन आई डालो पासवर्ड डालो और डाउनलोड्स का ऑप्शन है उसमें जाकर डाउनलोड करो और वो कॉपी फोटो कॉपी ले लो या तो ई कॉपी रख लो अपने इलेक्ट्रॉनिक डेटा के अंदर चल जाएगा वो भी ठीक है पांचवा पॉइंट स्टेटस स्टेटस में क्या लिखोगे स्टेटस में आप लिखोगे कि अससी कौन है कौन है कैसे पता चलेगा स्टेटस में कुछ भी खुद से मत लिखना स्टेटस में लिखना जो इनकम टैक्स लॉ बोलता है इन सेक्शन टू क्लॉज थर्टी वन इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन अगर आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल लिखो कंपनी हो तो कंपनी लिखो फर्म है तो फर्म लिखो एलएलपी हो तो एलएलपी लिखो अरे आर यू क्लियर अगर आप प्रोपराइटर हो तो इंडिविजुअल लिखो दैट इज द करेक्ट वे टू राइट कुछ लोग यहां पर लिखते थे प्रोपराइटर बट दैट इज नॉट प्रोपराइटर इज नॉट डिफाइंड एज अ पर्सन ना हु इज डिफाइंड एज ए पर्सन अंडर इनकम टैक्स लॉ इज इंडिविजुअल अरे आर यू क्लियर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्या लिखोगे इधर प्रीवियस ईयर डैश टू डैश क्या लिखोगे कॉपी पेस्ट नहीं करना है अपने को सीखना है इन आउट कल जाकर रिलायंस इंडस्ट्री का भी टैक्स ऑडिट करना पड़े तो आपके काबिल का, होना चाहिए वो करने के वो एंगल से सीखना है आप लिखोगे प्रीवियस ईयर 2021 बस ये लिख के छोड़ दोगे बिल्कुल नहीं बेटा आपको स्क्रूटिनाइज करना है अंदर घुस के हर चीज के अंदर हमको क्या लगता है मालूम फॉर्म थ्री सी आधे घंटे का काम है बेटा बहुत गलत सोच है हमारी है। ये सोच के वजह से ही फॉर्म थ्री सी ढंग से नहीं जा रहा इंडस्ट्री में हम ये सोचते हैं कि फॉर्म थ्री सी में तो क्या है? लास्ट ईयर की डेट्स बदलना है बाकी थोड़ा सा अमाउंट बदलना है कुछ चेजेस का और वो प्रीवियस ईयर करंट ईयर का डेटा जो है वो चेंज करना है बैटर क्लोज हो गया ऐसा नहीं है बेटा फॉर्म थ्री सी भरने के लिए आपको बहुत दिन तक मेहनत करनी होगी जैसे इस क्लॉज में मैं आपको बताता हूं आपको क्या चेक करना चाहिए No doubt, by default you will write previous year 2020-21. You will write ट्वेंटी for 2020 to 31st March 2021. You will write this, no doubt. लेकिन आपको साथ में यह नहीं चेक करना चाहिए आपको लगता नहीं है आप बड़े लेवल पे सोचो यार कि इस साल कंपनी का कोई अमाल कमीशन तो नहीं हुआ है कोई डीमर्जर तो नहीं हुआ है कोई नया बिजनेस तो नहीं है ये क्योंकि अगर ये बिजनेस नया है देन प्रीवियस ईयर विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट अप्रिल होप यू नो दैट द डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर इज गिवन इन सेक्शन थ्री ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट बोलो ना प्लीज अरे एज एन ऑडिटर शुड यू नॉट चेक दीज डिटेल्स बेटा कि कंपनी न्यूली फॉर्म तो नहीं है अगर न्यूली फॉर्म है और अक्टूबर से न्यूली फॉर्म है तो प्रीवियस ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर टू तो मार्च ना बेटा नॉट फ्रॉम टू मार्च यार एग्जाम में तो पूछेंगे ना ये पॉइंट इतना चिंधी क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे वो लोग आर यू क्लियर फिर असेसमेंट ईयर हमेशा सेम रहेगा उसमें कोई वो आज छोटा मोटा नहीं है इसलिए असेसमेंट ईयर के यहां पर डैश 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 टू डैश 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 नहीं डाला है समझ में आया क्या क्या बारीकी से लिखा है इन्होंने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट यहां पर डैश 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 टू डैश 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 टू डाला है बिकॉज दिस डेट एंड दिस डेट नीड नॉट बी अप्रैल टू मार्च बट दिस ईयर विल ऑलवेज बी दिस ईयर ओनली दिस इयर दिस विल बी ऑलवेज इन दिस ईयर इट विल बी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू येस और नो आगे बढ़ रहा हूं इंडिकेट द रेलेवेंट क्लॉज ऑफ फोर्टी फोर बी अंडर विच द ऑडिट हैज बिन कंडक्टेड नाउ लिसन केयरफुली आप इसको जब तक आप ढंग से पढ़ोगे नहीं जिंदगी में इस पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब आप लिख ही नहीं पाओगे गड़बड़ कर दोगे ठीक है यहां पर कितने क्लॉज आ सकते हैं बता सकते हो एनीबडी कैन टेल मी हाउ मेनी क्लॉजेस कैन कम ओवर यर प्लीज उसमें से एक क्लॉज का मेंशन करना है कि आपके क्लाइंट का ऑडिट आप कौन से क्लॉज ऑफ फोर्टी फोर एबी में कर रहे हो तो फोर्टी फोर एबी में टोटल कितने क्लॉज है बताइए हाँ यश कितने बेटे चार नहीं बेटा पांच पांच क्लॉज है पांच क्लॉज क्लॉज ए क्या है क्लॉज ए फॉर बिजनेस अगर एक करोड़ से ज्यादा टर्न होता है तो ऑडिट करवाओ और क्लॉज ए के अंदर ही बिजनेस के लिए एक ऑप्शन है ऑप्शन नहीं सॉरी मैंडेटरी क्या है कि अगर उनका टर्न ओवर पांच करोड़ रुपए तक है जो अभी दस करोड़ कर दिया है बट एग्जाम के लिए पांच करोड़ ही एप्लीकेबल है दस करोड़ फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी वन का अमेंडमेंट है तो मैं पांच करोड़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूं लेकिन अगर आप फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी का अमेंडमेंट देखोगे तो रेट्रोस्पेक्टिवली उन्होंने करोड़ कर दिया है कि अगर टर्न ओवर पांच करोड़ तक है और नाइनटी से ज्यादा आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो और रिसीट मंगाते हो मतलब पांच परसेंट से ज्यादा कैश में ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए रिसीट भी नहीं होना चाहिए पेमेंट भी नहीं होना चाहिए तो आपका टर्नओवर लिमिट पांच करोड़ है पता है बेटा आपको ये ये भी क्लॉस ए में ही है अरे बेटा फिर क्लॉस बी में कौन है प्रोफेशनल्स प्रोफेशनल जिसका टर्न ओवर लाख क्रॉस होता है वो क्लॉज बी में आएगा सर क्लॉस सी में कौन है फोर्टी फोर ए ट्रक वाले और फोर्टी फोर बी बी जो आपने नॉन रेसिडेंट के चैप्टर में पढ़ा था वो एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल ऑयल करते हैं और फोर्टी फोर टर्न की प्रोजेक्ट वोजेक्ट करता है फॉरन कंपनी इंडिया में आके इन सबको बोला है फोर्टी फोर ए बीबी बीबीबी ये तीन सेक्शन वालों को गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर तुम ये डिक्लेयर करते हो कि तुम्हारा एक्चुअल प्रॉफिट इज लोअर देन डीम प्रॉफिट देन यू हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड आल्सो कंडक्ट टैक्स ऑडिट तो वो लोग क्लॉज सी में टैक्स ऑडिट करते हैं जब वो डिक्लेयर करते हैं जब वो आर्ग्यू करते हैं कि हमारा प्रॉफिट डीम प्रॉफिट से भी कम है डिड यू अंडरस्टैंड तो उनके लिए क्लॉज सी लिखना पड़ेगा यहां पर और पूछ लिया इतना बारीक एग्जाम में तो क्या कर लोगे फिर क्लॉज डी किसके लिए है? क्लॉस डी इज फॉर प्रोफेशनल्स मुझे बताओ जो फोर्टी फोर ए डी ए में कवर्ड है प्रोफेशनल्स स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स क्या वो भी अपना प्रॉफिट फिफ्टी परसेंट से कम दिखा सकते हैं बाय कंडक्टिंग ऑडिट तो क्लॉज नंबर डी फॉर प्रोफेशनल्स हु वांट्स टू शो प्रॉफिट्स हुन फिफ्टी परसेंट ऑफ द प्रॉफिट अरे आर यू क्लियर एंड क्लॉज ई में फोर्टी फोर एडी वाला है क्या फोर्टी फोर एडी वाला भी लोअर प्रॉफिट दिखा सकता है दिखा सकता है लेकिन उसको कुछ कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ता है फाइव इयर्स के अंदर दिखा नहीं सकता है दिखा सकता है वैसे दिखाना चाहे फिर अगले पांच साल तक उसको फोर्टी फोर एडी लेने नहीं देंगे अरे इज इट क्लियर तो यहां पर पांच में से कौन से क्लॉज में ऑडिट कर रहे हो आप वो लिखना पड़ेगा आपको ए में कर रहे हो बी में कर रहे हो सी में कर रहे हो डी में कर रहे हो ई e में कर रहे हो कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में छोटी छोटी चीज गलत हो जाती है बेटा आर यू क्लियर टिल पॉइंट नंबर एट प्लीज बताइए तो पॉइंट नंबर नाइन की तरफ बढ़ रहा हूं मैं नाइन मतलब एट है सॉरी बीच में एक क्लॉज घुसेड़ा उन्होंने एट के बाद एट ए घुसेड़ दिया अब एट ए क्या है ये सब नए सेक्शन जो आए अभी पिछले तीन चार पांच सालों में वेदर दस सी ऑप्टेड फॉर टैक्सेशन अंडर वन वन फाइव बी ए बी डबल ए बी ए बी बी एस सी एंड बी एडी ये पांचों सेक्शन क्या है वन वन फाइव बी ए बी डबल ए एंड बी एस सी डोमेस्टिक कंपनी के लिए कंसेशनल टैक्स रेट है बी एस सी इंडिविजुअल एच यू एफ के लिए कंसेशनल टैक्स रेट है और बी एडी रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कंसेशनल टैक्स रेट है आर यू क्लियर ये सब डी टी में पढ़ा है बेटा बोलना भी मत बहुत मेहनत करके पढ़ाऊं सब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का एक एक क्लॉज आपको पढ़ाया हूं। एक भी क्लॉज छूटेगा नहीं बट उसको अभी को सिर्फ ऑडिट के परस्पेक्टिव से बोलना है कि आपको क्या करना है तो अभी आपको क्या चेक करना होगा यहां पर बताओ ना बेटा बोलिए ना मुझे बताओ ये सारे सेक्शन के ऑप्शनल है या मैंडेटरी है बताइए ये सारे सेक्शन ऑप्शनल है या मैंडेटरी so, so, अलग अलग forms दिए गए इसके लिए टेन आई बी है इसके लिए टेन आईसी है इसके लिए टेन आई डी है और इसके लिए टेन आई एफ है कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला ये फॉर्म अपलोड करना पड़ेगा आपको तभी जाकर यह ऑप्शन एक्सरसाइज होगा तो चार्टेड अकाउंटेंट को चेक करना पड़ेगा एसएससी ने फॉर्म अपलोड किया या नहीं किया अब चार्टेड अकाउंटेंट खुद ही करता है एसएससी के बिहाफ पे प्रैक्टिकल लाइफ में अरे आर यू क्लियर ये पार्ट ए खत्म हो गया ठीक है देर आर टू पार्ट इन फॉर्म थ्री सी डी फॉर्म थ्री सी डी के अंदर दो पार्ट होता है पार्ट है तो बहुत चिंती सा था छोटा सा पार्ट था अब पार्ट बी की तरफ जाते हैं ये बड़ा पार्ट है ए चलो इसमें क्या इंफॉर्मेशन देना है ज्यादातर टाइम ये सब इंफॉर्मेशन अब एम टी रहता है नील होता है अच्छा जो क्लॉज एसअसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है उधर क्या करोगे आप ब्लैंक छोड़ दोगे या कुछ लिखोगे ब्लैंक छोड़ दोगे या कुछ लिखोगे you have to write not applicable na लिखो चलेगा। you have to write ब्लैंक नहीं छोड़ना है बिल्कुल नहीं गलत है गलत है you have to write not applicable क्योंकि अगर सपोज वो हार्ड कॉपी किसी के हाथ में चली गई चलो आजकल तो हम लोग वेबसाइट पे अपलोड करते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं होगी अगर वो हार्ड कॉपी किसी के हाथ में चले गई तो वो अपने हाथ से नहीं चेंज कर देगा ऐसा सी ऑडिट रिपोर्ट को बोलिए ना बेटा उससे वो ब्लैंक क्लॉज में कुछ, से कुछ भी नहीं लिख सकता है। या कोई और थर्ड पर्सन कुछ भी नहीं लिख सकता है। इसलिए जहां नॉट एप्लीकेबल है पे भी लिखना चाहिए बेटा ठीक है है में में आते हैं चलिए क्या है? सबसे पहले कुछ पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड है यहां पर ए एओपी इंडिकेट नेम ऑफ पार्टनर्स मेंबर्स एंड एस आर ठीक है तो बहुत बेसिक चीज है अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म हो तो सारे पार्टनर्स का नाम उनका पी एस आर ये सब चीज आपको लिखना पड़ेगा ठीक है इज इट क्लियर बोलिए ना बेटा सेकेंड इफ देर इज अ चेंज इन द और और मेंबर्स इन सिंस द लास्ट डेट ऑफ ईयर ईयर लास्ट डेट ऑफ हमारे प्रिस क्या है थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी से कंपेयर करना है थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में क्या पार्टनर्स में चेंज हुआ है क्या पी एस आर में चेंज हुआ है और अगर हुआ है तो यहां लिखो लिखो यहां पर पीएसआर में क्या चेंज हुआ है लिखो यहां पर पार्टनर्स में क्या चेंज हुआ है टू राइट यूर टू मेंशन इन क्लोज नंबर नाइन बी नेक्स्ट पॉइंट नंबर टेन है बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना नेचर ऑफ बिजनेस प्रोफेशन लिखना पड़ेगा इफ मोर देन बिजनेस इज कैरिड ऑन ड्यूरिंग द प्रीवियस इचर ऑफ एवरी बिजनेस और प्रोफेशन अब यहां पर आपको क्या क्या लिखना है गौर से सुनो हो सकता है मैं तीन चार बिजनेस करता हूं ठीक है तीन चार बिजनेस करता हूं तो देखो तीन चार बिजनेस का नेचर लिखना पड़ेगा जैसे फॉर एग्जाम्पल मैनुफेक्चरिंग करता हूं तो manufacturing मेरा नेचर ऑफ बिजनेस हो गया ठीक है अब उसमें आपको सब सेक्टर भी लिखना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग में आप क्या मैन्युफैक्चर करते हो अरे बेटा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भरा है तो ये मेंशन किया है कि नहीं किया है और फिर उस पर्टिकुलर सब सेक्टर का एक कोड होता है जो गवर्नमेंट ने दिया है कि इस सेक्टर का कोड क्या है तो वो कोड भी मेंशन करना पड़ता है पता है ये चीज आपको अरे भाई रिपोर्ट भराए तो पता होगा नहीं भराए तो सुनो उसी के लिए तो आयो आप तो पहले आपको सेक्टर लिखना है मेन सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सब सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूं से मैं रिमोट मैन्युफैक्चर करता हूं ठीक है अब रिमोट मैन्युफैक्चरिंग का कोड क्या है वो कोड लिखो उधर क्लियर बोलिए वो कोड गवर्नमेंट की वेबसाइट से मिल जाएगा ठीक है वो कोड वोड यहां पर नहीं लिखा है

से फॉर एग्जांपल पिछले साल तक मैं सिर्फ ट्रेडिंग करता था लेकिन अब मैं ट्रेडिंग के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी करने लगा उसका डिटेलिंग दो यहां पर क्लॉज नंबर टेन बी के अंदर ठीक है वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट सो प्रिस्क्राइब तो यहां पर क्या लिखना है आपको फोर्टी फोर डबल किसके लिए है कॉमन सेंस वाली बात है कि जो ऑडिट करवा रहा है टैक्स ऑडिट अभी टैक्स ऑडिट ही कर रहे हो ना आप उसका उसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन करना ही पड़ेगा ना बेटा अरे बोलिए ना बेटा ऑब्वियसली तो इसका आंसर यस ही आएगा वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर 44 इफ यस लिस्ट द बुक्स ऑफ प्रिस्क्राइब तो यहां पर आपका बुक्स में लिखना पड़ेगा क्या क्या लिख सकते हो क्या क्या बुक्स जनरली अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो क्या क्या लिस्ट में आता है बुक्स में बताओ मुझे बताइए ना अरे बोलो मैं तुम्हारे कमेंट के लिए वेट कर रहा हूं यहां पर नीचे क्या क्या बुक्स जनरली आप लिखोगे वहां पर यस कैश लेजर बैंक लेजर डेटर का लेजर परचेस अकाउंट क्रेडिटर अकाउंट ये कुछ बेसिक चीज है जो आप लिखोगे प्लस क्लॉज नंबर इलेवन बी में आपको उसका लिस्ट देना है कि कैश लेजर किधर रखा है किधर रखा है मतलब कौन से एड्रेस पे एड्रेस लिखना है पिन कोड लिखना है अरे लिखते हो ऐसा काम करते हो बेटा जिंदगी में यस परचेस रजिस्टर स्टॉक लेजर ये कुछ बेसिक चीज है जिसका इंफॉर्मेशन आपको देना है इलेवन बी में क्या देना है उसकी लिस्ट देना है कि कैश लेज़र लेज़र पॉइंट पॉइंट नंबर नंबर स्टॉक मुंबई में इस एड्रेस पे पिन है वो डिटेलिंग देना है आपको ठीक है अब यहाँ नीचे ब्रैकेट में लिखा है कि अगर कंप्यूटर सिस्टम में करते जो आजकल ज्यादातर लोग कंप्यूटराइज सिस्टम में करते और क्या आर मेंटेन इन ए कंप्यूटराइज सिस्टम मेंशन द बुक्स ऑफ अकाउंट तो वो कंप्यूटर मतलब जो भी आपका टैली वैली एस जो भी है सॉफ्टवेयर है उसमें क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट जनरेट हुए उसकी लिस्ट दो इफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट केप्ट एट वन लोकेशन प्लीज फर्निश द एड्रेस ऑफ दी लोकेशन डिटेल्स ऑफ बुक्स ऑफ एट ईच लोकेशन अगर आप एक जगह पर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं रखते हो तीन जगह पे रखते हो तो तीनों जगह का एड्रेस लोकेशन वो सब आपको देना पड़ेगा पिन कोड विन कोड डिटेल एड्रेस डालना पड़ता है ठीक है लिस्ट ऑफ बुक्स अकाउंट एंड द नेचर ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स सर इसका मतलब क्या हुआ क्या हुआ इसका मतलब बोलो बोलिए यस yes, रवि वो चीजों के बारे में मैंने बोला था थोड़ी देर पहले लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स मेंटेन एग्जामिन सॉरी यहां पर आपको लिखना है आपने क्या क्या चेक किया आप अपना ऑब्जर्वेशन दिखो यहां पर व्हाट ऑल यू हैव चेक तो बोलने का जो भी पॉइंट नंबर बी में लिखा है ए में लिखा है वी हैव चेक ऑल ऑफ ऑफ देम मोस्ट द केसेस में आप वही लिखते हो अगर आपको कुछ क्वालिफाई करना है आप क्वालिफाई कर सकते हो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं हूँ चार्टर अकाउंट रिलक्टेंट टू क्वालिफाई इट कैन क्वालिफाई इफ देर आर सम मिस्टेक्स ठीक है अब पॉइंट नंबर ट्वेल्व पे आते हैं ये इलेवन पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड बात कर रहा है ठीके? ये जनरली मोस्ट ऑफ द केसेज में ये इलेवेंथ पॉइंट जो है ना इलेवन ए बी सी ये कॉमन रहता है ईयर टू ईयर बेसिस पे इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता है अब पॉइंट नंबर ट्वेल्व बहुत आराम से पढ़ेंगे ठीक है वेदर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड एनी प्रॉफिट एंड गेन्स असेसेबल ऑन प्रिजर्वटिव बेसिस इफ यस इंडिकेट द अमाउंट एंड द रिलेवेंट सेक्शन ठीक है आपको अमाउंट भी लिखना है रिलेवेंट सेक्शन भी लिखना है कब लिखना है ये क्लॉज नंबर ट्वेल्व कब एप्लीकेबल है जब आपको लगता है कि आपका क्लाइंट कोई प्रेजमटिव इनकम फॉलो कर रहा है तो फिर आपको वो section number लिखना है 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 कौन से section में कर रहा है? और उसका का कितना ठीक है, है? मतलब उसका प्रॉफिट्स एंड गेन्स कितना है अगर एट परसेंट है सिक्स परसेंट है फिफ्टी परसेंट अब प्रेजमटिव इनकम के रेलिवेंट इन्होंने से ब्रैकेट में डाले एडी सबको भी सबको किसी को पता है फोर बीबी ये सब नॉन रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल है बी बी अब चैप्टर ट्वेल्व जी जो है वो है एप्लीकेबल फॉर द पर्पज ऑफ टनेज टैक्सेशन टनेज टैक्सेशन करके कॉन्सेप्ट जो शिपिंग इंडस्ट्रीज के लिए एप्लीकेबल है था, उनके लिए उनके लिए भी प्रेजेंटिव इनकम एप्लीकेबल है फर्स्ट शेड्यूल किसके लिए एप्लीकेबल है इंश्योरेंस कंपनीज अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है तो उसका इनकम कंप्यूटेशन हैपेंस एज पर द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट

क्लियर है तो यहां पर आपको क्या इंडिकेट करना है कि क्या आपका क्लाइंट फोर्टी फोर ए डी इनकम यह सब फॉलो करता है बोलो यस yes. फिर बोलो अमाउंट कितना आता है उसका प्रॉफिट एट परसेंट सिक्स परसेंट और फिर बोलो कौन सा सेक्शन है अरे आर यू क्लियर अरे बोलोगे कुछ क्लॉज नंबर थर्टीन ने मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड इन द प्रीवियस ईयर क्या मेथड ऑफ अकाउंटिंग हो सकता है जल्दी बोलो मर्केंटाइल और कैश लिखो इधर ठीक है लिखो मर्केंटाइल या कैश है ज्यादातर अससी मर्केंटाइल ही फॉलो करते हैं बहुत कम अससीज है जो कैश फॉलो करते हैं, बराबर यस हर्ष गुप्ता कौन से क्लॉज में बात कर रहे हो बेटा आप हर्ष क्लॉज ट्वेल्व की बात कर रहे हो क्लॉज ट्वेल्व में प्रॉफिट भी लिखना पड़ता है yes, लिखा है ना इंडिकेट अमाउंट तो किस चीज का प्रॉफिट्स एंड गेन्स का ही ना बराबर क्लॉस नंबर थर्टीन है मेथड ऑफ अकाउंटिंग लिखो मर्केंटाइल कैश हाइब्रिड नहीं हो सकता है थोड़े के लिए मर्केंटाइल थोड़े के लिए कैश वो नहीं वो नहीं हो सकता है पॉसिबल ही नहीं है वेदर हैड बीन एनी चेंज इन द मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड विज द मेथड ऑफ एम्प्लॉयड अकाउंटिंग एम्प्लॉयड इन द इमीजिएटली ईयर अगर पिछले साल और इस साल मेथड ऑफ अकाउंटिंग में चेंज होता है तो रिपोर्ट करो क्यों रिपोर्ट करो मेरे को लॉजिक बता सकते हो क्या करने का गवर्नमेंट को उससे हा? क्यों रिपोर्ट करोगे क्यों रिपोर्ट करवा रही है गवर्नमेंट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट क्या है एक किस्म की चुगली है ना गवर्नमेंट को क्या शशि देखो ये ये कर रहा है ये ये कर रहा है पकड़ो इसको अरे हाँ या ना एक टैक्स ऑडिटर अपने ही क्लाइंट की चुगली करता है ना डिपार्टमेंट को जाकर बुरा, बुरा बुरा बोल रहा है उनके बारे में देखो उसने ये गलती किया ये गलती किया ये गलती किया ये गलती किया तो ये पॉइंट क्यों लिखना है लिखना लिखना है लिखना है पॉइंट नंबर बी इसलिए क्योंकि 145 वन फोर्टी सबसे रेगुलर बेसिस अगर मर्केंटाइल फॉलो करता है तो मर्केंटाइल फॉलो करो कंसिस्टेंसी रखो अगर कैश फॉलो करता है तो कैश फॉलो करो कंसिस्टेंसी रखो नहीं तो 145 फोर्टी फाइव सबसेक्शन थ्री के अंदर उसके अगेंस्ट बेस्ट जजमेंट हो सकता है तो अगर यहां पर कुछ रिपोर्ट करते हुए दिख गया ना ऑफिसर को कि ये मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज कर दिया तो एओ के पास पावर है उसका बेस्ट जजमेंट करने का कुछ समझ में आया बेटा क्या बोला मैंने अरे बोलिए नाउ इफ टू द बी आंसर टू द बी इज अफर्मेटिव मतलब अगर तुमने कोई चेंज किया है पहले तो आपको कंसिस्टेंसी रखना चाहिए लेकिन उसके बावजूद भी आपने चेंज किया इफ द आंसर टू द बी इज अफर गिव द इफेक्ट देयर ऑफ ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब यहां पर आपको उसका डिटेल देना पड़ेगा चेंज करने की वजह से सीरियल नंबर वन रेवेन्यू पे कितना फर्क पड़ गया प्रॉफिट इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ पिछले साल मर्कटाइल फॉलो करता था इस साल कैश फॉलो कर रहा हूं तो उसके वजह से प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है एक्सपेंडिचर पे कितना फर्क पड़ा ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे पे कितना पड़ा। पे कितना पड़ा परचेस पड़ा सीरियल नंबर के हिसाब से यहां पर पर्टिकुलर डिटेल देनी पड़ेगी और फिर असेसिंग ऑफिसर को अगर लगता है कि यह एक जेन्यून चेंज नहीं है यह टैक्स बचाने के लिए चेंज किया गया है असिंग नालायक है जिस साल ज्यादा अक्रू होता है उस दिन कैश सिस्टम बोल देता है जिस साल ज्यादा कैश मिलता है उस दिन अक्रू, सिस्टम बोल देता है और डिपार्टमेंट को लग रहा है अगर मेथड चेंज करने की प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है ना डिपार्टमेंट कुछ नहीं बोलेगी छोड़ देगी लेकिन अगर डिक्रीज हो रहा है ना तो एक नजर रखेगी फिर अरे आर यू क्लियर क्या बोल रहा हूं मैं बोलिए बेटा बोलोगे आज कुछ बोलोगे एग्जाम के बाद बोलोगे पॉइंट नंबर डी डी में क्या बोलना है सर डी में बताना है क्या के लिए आईसीडीएस एप्लीकेबल है क्या चेक करो वेदर एनी एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ इनकम कंप्यूटेशन डिस्कलोजर स्टैंडर्स नोटिफाइड अंडर टू एंड इफ यस अगर इसका आंसर अफर्मेटिव है आईसीडीएस की वजह से अगर कोई एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है तो फिर नीचे लिखो कौन से आईसीडीएस के वजह से एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है और उसका यहां पर डिस्कलोजर दो तो टोटल इनकम टैक्स में दस ही आईसीडीएस है क्या ने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया? हाँ, चेंज किया किया उससे बढ़ा कितना घटा कितना इन्वेंट्री कैसे कितना प्रॉफिट बढ़ा कितना घटा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू ये कुछ चंद आईसीडीएस दिए अकाउंट इतने ज्यादा नहीं है तो यहां पर आप आईसीडीएस से रिलेटेड क्लॉजेस लिखोगे मोस्ट ऑफ द छोटे में ये सब नॉट एप्लीकेबल ही होता है यस और नो हां बड़े एस एस सी में आपको ध्यान देना पड़ेगा एग्जाम्पल किसी ने बोला एग्जाम्पल दो फॉर एग्जाम्पल अगर एससी के लिए से आईसीडीएस फोर एप्लीकेबल है रेवेन्यू रिकॉग्निशन तो बताए इनकम टैक्स में कुछ रेवेन्यूज है मैं नाम नहीं लूंगा उसका मैंने क्लास में बोला हूं आपको कुछ रेवेन्यूज है जो आपको हमेशा टैक्स भरना पड़ता है वेदर और नॉट यू आर सर्टन अबाउट द रिसीट ऑफ दैट रेवेन्यू मैंने हिंड भी देता हूं मैंने थर्टी सिक्स वन सेवन में पढ़ाया था आपको अकाउंट क्या बोलता है यू शुड नॉट रेवेन्यू रिक्नाइज एंडिल यू आर हंड्रेड परसेंट श्योर रिसीव द रेवेन्यू बट टैक्स इज दैट इन सर्टन केसेज यू हैव टू रिकॉर्ड द रेवन्यू हैव टू पे टैक्स इन रिस्पेक्टिव ऑफ द रीजनेबल सर्टेनिटी पता है ये चीज बोलिए अरे बोलिए दूसरा बताता हूं

उस पर लोन है तो आप एसेट में चेंज करोगे बल्कि अकाउंट में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चेंज करते हो अरे यस और नो तो क्या चेंज है क्या आईसीडीएस की वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा है घट रहा है उसका डिटेल दो नेट इफेक्ट क्या आएगा वो भी दो यहां पर उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना डिस्क्लोजर देगा फिर नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर फोर्टीन ए क्या है सर ये

उससे हटकर आप कुछ वैल्यूएशन कर रहे हो तो उसका आप, आपको यहां पर इंपैक्ट बताना पड़ेगा सीरियल क्योंकि आपके पास अलग अलग किस्म के स्टॉक हो सकते हैं यू माइट बी ट्रेडिंग इन डिफरेंट काइंड ऑफ स्टॉक तो हर एक स्टॉक के लिए यहां पर डिटेल देना पड़ेगा स्टॉक नंबर वन उसका नाम से पेन ये पेन का स्टॉक है दूसरा से आपके पास पेंसिल बॉक्स का स्टॉक है से तीसरा इरेजर का स्टॉक है चौथा शार्पनर का स्टॉक है अलग अलग स्टॉक हो सकता है आपके पास तो आप कुछ केसेस में इनकम टैक्स जैसे बोल रहा है एवर इज लोअर उस हिसाब से अकाउंटिंग कर रहे हो लेकिन कुछ केसेस में स्टॉक का वैल्यूएशन उस तरीके से नहीं हो रहा है स्टॉक का वैल्यूएशन आप अपने हिसाब से कर रहे हो तो अगर कुछ डिविएशन है ये सब कौन चेक करेगा भाई सीए करेगा और क्या सीए को चेक करना पड़ेगा ये सब कुछ और प्रेफरेबली अगर हो सके हो सके तो सीए को यहां पर क्या करना चाहिए बोलिए ताकि ये वैल्यूएशन एकदम करेक्ट आए हो सके तो इफ पॉसिबल है बट वो मैंडेटरी नहीं है बोलिए यस यस सोनी फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए स्टॉक ऑडिट किया है कभी आज तक किया बहुत मजा आता है स्टॉक ऑडिट करने टाइम पास है वो सबसे बड़ा अरे किया है कि नहीं किया है यस फिजिकल वेरिफिकेशन इज अ वेरी गुड थिंग हर बड़ी कंपनी का तो फिजिकल वेरिफिकेशन होता ही है हंड्रेड परसेंट आप थर्टी फर्स्ट मार्च को उधर जाओगे और वो तीस मार्च इकतीस मार्च पूरा दिन रात मेहनत करके उसका वेरिफिकेशन करके सीए का रिपोर्ट लेकर आओगे अपना अपना रिपोर्ट लेकर आओगे फिर आपका सीए उस पर साइन वाइन करेगा बड़ी कंपनी में तो करते ही है वो लोग बट छोटे मोटे सी नहीं करते ठीक है तो यहां पर आपको पहले आपको मेथड ऑफ वैल्यूएशन लिखना है कॉस्ट स्टॉक ऑडिट नॉट रिलायबल होली हाँ डेफिनेटली रिलायबल नहीं हो सकता है वो <laughs> क्योंकि हम लोग जब स्टॉक ऑडिट करते हैं तो क्या हम लोग हर एक स्टॉक चेक करते बहुत सारे केसेस में बड़े बड़े एसएससीज़ के केस में पॉसिबल नहीं होता है तो हम लोग सैंपल चेकिंग भी करते वैसे नहीं करना चाहिए मतलब पर्पस डिफीट हो जाता है फिर आपको पूरा चेक करना चाहिए लेकिन फिर वो पॉसिबल नहीं होता है बेटा बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है सब क्लॉज कैसे याद रहेंगे सर अब उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता तो सब तो क्या है 44 ही है। इतना बड़ा सिलेबस कैसे याद रखोगे आप डी टी का आई डी टी का तो फिर मेमोरी मेमोरी का खेल है बेटा पढ़ाई करो मेहनत करो सब याद हो जाएगा टेंशन ना लो पॉइंट नंबर फिफ्टीन विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन कैपिटल गेन्स

कॉस्ट ऑफ कितने में ज्वेलरी खरीदा था अमाउंट एट विच अट इज कन्वर्टेड इंटू स्टॉक इन ट्रेड यहां क्या लिखोगे बोलो बेटा बोल सकते हो जल्दी बोलो ये डे टू डे लाइफ में इतना काम नहीं आता है एफ एम भी लिखोगे ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन आर यू क्लियर क्योंकि वही यूज होता है टू कंप्यूट कैपिटल गेन्स अरे हा या ना क्लॉज नंबर सिक्सटीन अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू पीएनएल अच्छा ऐसे कैसे जरूरत हुई एसएससी की क्रेडिट नहीं करने की अब सीए हो आप, आप चेक करो एक एक पॉइंट अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू द पीएनएल अकाउंट बींग विद इन द स्कोप ऑफ सेक्शन ट्वेंटी एट मतलब सर इसमें क्या आ सकता है इसमें बहुत सारी चीज आ सकती है जैसे नॉन कंपीट फीस एसएससी को मिला है किसी से और उसने क्रेडिट नहीं किया पीएनएल में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बेटा उसको उस पर टैक्स लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए नॉन कंप्लीट फीस पे सेकंड वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन लगना चाहिए को, को, के फिर कुछ कॉम्पेंसेशन मिला है फॉर कॉन्ट्रैक्ट इन रिलेशन टू बिजनेस चेक करना है आपको यहां पर थर्टी फाइव एडी का कोई एसेट डिमोलिश हो गया है डिस्कार्ड हो गया है डिस्ट्रॉय हो गया है सेल हो गया है उसके लिए पैसा मिला है तो वो सेक्शन 28 में चार्जएबल टू टैक्स है तो इन शॉर्ट यहां पर क्या बोलना चाह रहा है मालूम ये कि सेक्शन 28 में जो भी स्पेशल चार्जिंग सेक्शंस है ना की मान इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिला है क्या वो क्रेडिट किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है तो करना पड़ेगा अगर पीएनएल को क्रेडिट नहीं किया है तो इनकम स्टेटमेंट में ऐड करके टैक्स भरना पड़ेगा आर यू क्लियर अरे बोलिए नेक्स्ट अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बींग प्रोफार्मा क्रेडिट सर प्रोफार्मा क्रेडिट क्या होता है इन शॉर्ट कोई इनवॉइस है जो आपने बुक नहीं किया है कुछ सामान बेचा है और उसका इनवॉइस है वो रिकॉर्ड नहीं किया है इनवॉइस है लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है कोई ड्यूटी ड्रॉबैक मिला है उसको क्रेडिट नहीं किया है पीएनएल में चेक करो कस्टम ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स जीएसटी ये सबका रिफंड मिला है एंड रिफंड आर एडमिटेड एज ड्यू बाय दिट कंसर्न अथॉरिटीज ऐसा नहीं है कि रिफंड पेंडिंग है ऐसा नहीं कि रिफंड डिस्प्यूट में चल रहा है कंसर्न अथॉरिटीज ने रिफंड एडमिट किया है बोला आपको रिफंड मिल जाएगा टेंशन नहीं है तो फिर उस पर टैक्स भरो ईमानदारी से उसको इंक्लूड यहां पर आपको रिपोर्ट करना है कि क्या ये सारी चीजें एक एक चीज को आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट करना है आपको यस नो लिखना है डिटेलिंग देना है अगर देना है तो जहां जरूरत है पॉइंट नंबर एस्केलेशन क्लेम्स एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ये किसके लिए एप्लीकेबल हो सकता है कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा ठीक है कंस्ट्रक्शन कंपनीज के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि कंस्ट्रक्शन एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है वो चलता ही रहता है चलता ही रहता है चलता ही रहता है, ही रहता है उसके बीच में एस्केलेशन क्लॉज आ जाता है तो एस्केलेशन क्लॉज आपको क्या करना पड़ेगा आपको अग्रीमेंट चेक करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट चेक करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी का क्या उसमें एस्केलेशन क्लॉज है और है तो क्या बेसिस पर अससी को मिलेगा क्या अससी को मिला है या नहीं मिला है? और अगर मिला है तो क्या उसने पीएनएल में क्रेडिट किया है या नहीं किया है बोलो ना बेटा हर्ष गुप्ता उस पर मैं आऊंगा थोड़ी देर में सबर कर जीएसटी का क्या करना है ठीक है क्लियर है पॉइंट नंबर डी बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ोगे कैसा आप अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू पी एन एल बींग एनी अदर आइटम ऑफ इनकम शुड दिस बी पीजीबीपी और एनी अदर इनकम ऑल्सो शुड दिस बी पीजीबीपी इनकम इट इज टॉकिंग अबाउट बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम और एनी इनकम जरूरी थोड़ी है पीएनएल में पीजीपीपी आएगा मेरे को बता पीएनएल में डिविडेंड इनकम नहीं आती है हां बोल बेटा क्या कंपनी पीएनएल के क्रेडिट साइड पर डिविडेंड इनकम नहीं आती है इंटरेस्ट ऑन एफ डी नहीं आती है बोलिए तो यहां पर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है एनी अदर आइटम ऑफ इनकम बोला है ना वेन आई से इनकम इनकम इज ए लार्जर टर्म और पीजीपीपी इनकम इज ए लार्जर टर्म प्लीज देयरफॉर यहां पर किसी और हेड की इनकम होगी तो वो भी आएगी एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन एफडी डिस्काउंट रिसीव्ड डिविडेंड रिसीव्ड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अरे ये कुछ एग्जांपल है ना बेटा अदर एनी अदर इनकम के बोलिए प्लीज बराबर और लास्ट में दिखा है कैपिटल रिसीट इफ एनी कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल There is a capital receipt. Generally, capital receipts are not chargeable to tax. We all know that under income tax law. But there are some capital receipts which are chargeable to tax. Example, if I get subsidy from government, is it chargeable to tax? If I get compensation from government, is it chargeable to tax? Bolie, please. Please bolie. एंड देर फॉर द आंसर इज यस यहां पर वो चीजें भी आ सकती है समथिंग विच इज चार्जेबल टू टैक्स बट विच इज वॉट कैपिटल रिसीट एग्जाम्पल सब्सिडी ग्रांट कॉम्पेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑल दीज थिंग्स आर कैपिटल रिसीट बट येट इट हैज टू टू बी क्रेडिटेड है पीएनएल मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीएनएल को क्रेडिट करो अगर नहीं किया है तो यहां रिपोर्ट करो ताकि डिपार्टमेंट चेक कर सके क्या इनकम स्टेटमेंट में पीजीबीपी या कोई भी हेड ऑफ इनकम टोटल इनकम कंप्यूट करते समय एसएससी ने उसको कंसीडर किया है कि नहीं किया है मैं एस ए टैक्स ऑडिटर बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी बदल के इन सब चीजों को पीएनएल में क्रेडिट कर दो अगर नहीं किया है तो यहां मेंशन करो अरे तुमको समझ में आया बेटा मैंने क्या बोला ये सब कब मेंशन करना है इफ नॉट क्रेडिट पीएनएल अगर ऑलरेडी क्रेडिटेड है तो यह सब मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है आर यू क्लियर जबरदस्ती भी रिपोर्ट मत किया करो जो पूछा है उसी हिसाब से रिपोर्ट करो Clause number 17, where any land or building or both that is immobile properties transferred during the previous year for a consideration less than the value adopted, assessed or accessible by any authority of state government referred to in 43 CA or 50 C. Sir, what is 43 CA? What is 50 C? 50 C and 43 CA is one and the same thing. The only difference is 50 CA talks about capital asset ka transfer and 43 CA talks about ट्रेड का ट्रांसफर बराबर तो यहां पर आपको डिटेल का डिस्क्रिप्शन देना है प्रॉपर्टी का डिटेल देना है क्या प्रॉपर्टी है लैंड है बिल्डिंग है कितना कितना मिला ड्यूटी है ठीक है तो डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी कंसिडरेशन मिला स्टैंप ड्यूटी कितना है और लास्ट कॉलम में लिखना है प्रोविजन ऑफ सेकंड प्रोवाइज टू सबसे और फोर्थ प्रोवाइज टू सबसेक्शन टेन ऑफ सबसेक्शन टू ऑफ सेक्शन फिफ्टी सिक्स इज एप्लीकेबल और नॉट अब ये क्या है सर इतना लंबा चौड़ा भाषण क्या है सर <laughs> तो सबसे पहले यहां पर आपको डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी देना है ठीक है ठीक एक एक कॉलम वाइज जाते हैं उसके बाद यहां पर आपको क्या देना है बोलो सेकेंड कॉलम में कंसिडरेशन कंसिडरेशन में कौन सा कंसिडरेशन लिखोगे बोलो बोलिए ना एक्चुअल कंसिडरेशन यहां स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बराबर और यहां पर देखो दो सेक्शन का नाम दिया है वेदर द प्रोविजन ऑफ सेकेंड प्रोवाइजो टू सेक्शन वन ऑफ फोर्टी थ्री सी है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुन लेना और फोर्थ प्रोवाइजो टू क्लॉस टेन ऑफ एप्लीकेबल अब ये जो डब्बा है ना ये जो डब्बा कान खोल के सुन लो सब लोग सुन रहे हो बेटा आप लोग एक कुछ भी मत बोल कुछ भी मत बोल सबर कर सबर कर ये डब्बा दिख रहा है अरे बोलो ना बेटा सुन रहे सनराव आप लोग तो बता रहा हूं मैं ये डब्बा फाइनेंस एक्ट 2021 का अमेंडमेंट है कब का अमेंडमेंट है फाइनेंस एक्ट 2021 अगर आपको झूठ लगता है तो लेक्चर होने के बाद आप ये चेक कर लेना रेफरेंस क्या चेक करोगे सेकंड प्रोवाइडर टू 43CA सब सेक्शन 1 चेक कर लेना ये एफ821 कमेंटमेंट आई एम वेरी साइलेंट अबाउट मैं उस पर ज्यादा नहीं बात कर रहा हूं और ये भी फोर्थ प्रोवाइजर टू फिफ्टी सिक्स टू टेन ये भी एफ ए ट्वेंटी का अमेंडमेंट है जाकर कंफर्म कर लेना बाद में फोटो ले लो चाहिए तो किसी किसी को रहा नहीं जाएगा तो वो अभी देखेगा हाँ ये मे ट्वेंटी वन और नवंबर ट्वेंटी वन की बुक में नहीं मिलेगा आपको हाँ मे ट्वेंटी टू की बुक में आपको मिल जाएगा वहां मिल जाएगा आपको मेरे पास है मे ट्वेंटी टू की बुक यहां पर मेरे पास यहाँ पर उनकी बुक है मैं आपको रफ आइडिया बता देता हूँ मेरे पास टेक्स्ट बुक तो नहीं है लेकिन समरी है उनकी कुछ नया प्रोविजन आया है फोर्टी थ्री सी ए और फिफ्टी सिक्स टू टेन दोनों के अंदर मैं आपको दोनों बता देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे किसी किस्म का कंफ्यूजन ना हो ये टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट के अंदर हमारा फोर्टी थ्री सी ए कवर्ड है अगर आपको याद है तो ठीक है अब ये फिफ्टी सिक्स टू टेन अगर आप देखो तो उसके अंदर एक अमेंडमेंट आया दिखता है यह अमेंडमेंट है जिसमें इन्होंने वन ट्वेंटी परसेंट कर दिया है टेन परसेंट से ठीक है अब यहां जो लिखा है ना जो भी देख लो ऊपर ऊपर से बारह नवंबर तीस जून दो करोड़ पचास हजार ये ठीक है ये जो भी अमाउंट है ना ये सेम टू सेम अमेंडमेंट आपको और एक जगह दिखेगा कहां सर ये आपको दिख जाएगा फिफ्टी थ्री सी ए फोर्टी थ्री सी ए के अंदर वो फिफ्टी सिक्स टू टेन था ये देखो दिख रहा है बारह नवंबर तीस जून दो करोड़ अभी दिख रहा है कुछ इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं इससे ज्यादा बाद में देख लेना आप जब सी ए बन जाओगे इसके बाद अभी जरूरत नहीं है ठीक है तो ये एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आया बाय ट्वेंटी मटेरियल में भी ये वाला पॉइंट नहीं दिखेगा आप ऑडिट की बुक खोलोगे तो ये क्लॉज नहीं दिखने वाला उसमें क्योंकि आपका स्टडी मटेरियल इज नॉट एज पर एफ ए ट्वेंटी वन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर योर एग्जाम्स अब आते हैं हम लोग डेप्रीसिएशन की तरफ बड़े आगे बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज इसके लिए तो आपको पूरा क्या बनाना पड़ेगा एनेक्चर क्चर बनाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन के लिए ब्लॉक वाइज तो चलो देखते हैं अब क्या-क्या चाहिए इनको पर्टिकुलर्स ऑफ डेप्रिसिएशन अलावेबल एज इनकम टैक्स और ब्लॉक ऑफ द केस में फॉलोइंग फॉर्म अब क्या क्या चाहिए, asset, और क्या -क्या -क्या चाहिए उनको डिस्क्रिप्शन प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर यस और नो फिर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लिखोगे मिल जाएगा

एक्चुअल रिटर्न ऑन वैल्यू क्यों लिखा यहां पर yes, बेटा. Actual cost, क्या income tax में actual cost के बेसिस पे मिलता है आपको इनकम टैक्स्यूडी के हिसाब से देता है तो फिर यहां पर ये क्यों आया? अरे बोलिए ना बेटा यहां पर क्यों आया इनकम टैक्स के एक्चुअल कॉस्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा देता है कि नहीं देता है देता है ना बेटा पावर जनरेटिंग वालों के लिए तो उनके लिए लिखा है डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट और ब्लॉक ऑफ एसेट पावर जनरेटिंग वाले एसेट लिखेंगे अदर देन पावर जनरेटिंग वाले ब्लॉक ऑफ एसेट लिखेंगे अरे आर यू क्लियर आई डोंट नो वेद रिकॉर्ड दिस पॉइंट और नॉट यार उसके बाद एक्चुअल और डब्ल्यू डीवी जो भी है वो लिखो उसके बाद ये पॉइंट नंबर सी एक नया पॉइंट है जरा ध्यान से देखना है इसको क्या है? ये एडजस्टमेंट मेड टू द डीवी अंडर वन वन फाइव बीएससी और बी है पता ये स्पेशल सेक्शन है भले आप डेप्रिसिएशन नहीं भी क्लेम करते हो तो भी आपको डब्ल्यू डीवी से लेस करना पड़ता है अरे पता है कि नहीं पता है अरे पता है कि नहीं पता है और एक सवाल पूछ रहा हूं क्या गुडविल पे अपने को डेप्रिसिएशन मिलता है बोर्ड पे मत देखो तुम बोलो मे ट्वेंटी वन और नवंबर ट्वेंटी वन में अगर एग्जाम दे रहे हो तो गुडविल डेप्रिशियबल असेट जल्दी बोलो मैं मारूंगा पकड़ क्या अगर इसका आंसर नहीं दे पाए तो इज डेप्रिश इज गुडविल अ डेप्रिशियबल द आंसर इज यस इस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है स्मिथ सिक्योरिटी लिमिटेड बराबर अब उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफ ए ट्वेंटी और बोला है गुडविल विल नॉट बी कंसिडर एज इंटेंजिबल एसेट वो भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इसलिए अगले पॉइंट के अंदर लिखा रहेगा एडजस्टमेंट मेड टू रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट ड्यू टू एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन अरे कुछ समझ में आया लेकिन आप इसको इग्नोर कर दो आपके बुक के अंदर यह सब नहीं लिखा होगा ऑडिट के अरे समझ में आया क्या बोला मैंने मैं तो लेटेस्ट फॉर्म उठा रहा हूं वेबसाइट से वेबसाइट पे लेटेस्ट फॉर्म ही होता है मेरे को वही पढ़ाना पड़ेगा अरे हाँ या ना अब ये सब चीज का आप शेड्यूल गया ब्लॉक ऑफ असेट डिस्क्रिप्शन ऑफ असेट परसेंटेज ऑफ डेप्रीसिएशन उसके बाद में आप लिखोगे इस साल क्या एडिशन हुआ क्या डिलीशन हुआ कितना डेप्रीसिएशन है पूरा आप ऐसा कॉलम वाइज बनाओगे अरे बेटा कुछ समझ में आया इसका मतलब क्या है क्लॉज नंबर सीबी क्लॉज नंबर सी बी बहुत भयानक हो गया है अब सी सी क्या आएगा उसके बाद एडजस्टेड एड डब्ल्यू डीवी लिख दो ठीक है उसके बाद इस साल अगर कुछ एडिशन किया है या डिडक्शन किया है कुछ बेचा है तो उसका डिटेल दो विद डेट्स विद डेट्स ताकि पता चल सके अगर एडिशन किया है और लेस देन डेज यूज किया है तो आपको क्या फिफ्टी डेप्रिसिएशन लेना चाहिए गवर्नमेंट को रिपोर्ट करो साथ साथ में एडिशन बराबर है या नहीं है इसके लिए सीए क्या करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लेगा फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा एसेट का असा सी तो कुछ भी बोलेगा मैंने एक करोड़ का एसेट खरीदा दिखता नहीं है किधर किधर एक करोड़ का एसेट दिखाओ तो सही ऐसा क्या खरीदा है एक करोड़ रुपए का फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, एक्चुअल हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करेगा इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट चेक करेगा रजिस्टर चेक करेगा, अरे यस और आप उसको क्या करते हो कैपिटलाइज कर देते हो आप पांच करोड़ की मशीनरी इस बेसिस पे कैपिटलाइज नहीं कर सकते हो सिर्फ एक इनवॉइस के बेसिस पर इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका डेट ऑफ पुट टू यूज होना चाहिए रजिस्टर के अंदर किस दिन से पुट टू यूज हुआ ये सारा चीज डिटेल्स में लिखा होना चाहिए वहां पर देर फॉर कोई भी एडिशन हुआ है कोई भी डिडक्शन हुआ ड्यूरिंग ईयर विद डेट्स विद डेट्स कब एडिशन हुआ है कब डिलीशन हुआ है ऑफ एनी एडिशन ऑफ एनी डेट ऑफ पुट टू यूज पुट टू यूज का डेट होना चाहिए पुट टू यूज में डेट होना चाहिए इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ दिस दिस एंड दिस ये तीन एडजस्टमेंट का भी डिटेल करना चाहिए मुझे बताओ क्या आप इनडायरेक्ट टैक्सेस पे भी डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो बोलिए प्लीज मैं शायद आज सारे क्लॉसेस खत्म नहीं कर पाऊंगा जितने होंगे मैं उतने करूंगा बाकी मैं कंटिन्यू कर दूंगा नेक्स्ट वीक में इफ यू विश टू मी टू कंटिन्यू यस yes. तो आपको यहां लिखना है क्या सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स क्रेडिट सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स रेडिट मतलब जीएसटी ओनली क्या सी ने क्लेम किया है क्या उसको अलाउ हुआ है और अगर अलाउ हुआ है तो फिर वो चीज ब्लॉक ऑफ असेट में ऐड नहीं हो सकती है यस और नो यार चेंज इन द रेट ऑफ करेंसी ये किसके लिए एप्लीकेबल है सेक्शन 43 ए के बारे में बोल रहा है 43 ए पता है आपको अगर कोई फॉरेन करेंसी में फॉरेन से असेट खरीदेगा अरे पता है आपको अगर कोई फॉरेन करेंसी से फॉरेन में असेट खरीदता है तो उसको डेट ऑफ पेमेंट पर डेट ऑफ पेमेंट पर जो भी करेंसी एक्सचेंज गेन और लॉस आता है वो डब्ल्यू डीवी ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट में एडजस्ट होता है पता है यह चीज तो करेंसी में कितना चेंज हुआ है वो लिखो यहां पर उसका डेटा कहां से मिलेगा आरबीआई की वेबसाइट वेबसाइट से निकालो वो डेटा एंड थर्ड सब्सिडी और ग्रांट और रिइंबर्समेंट पता है एक्सप्लेनेशन टेन टू फोर्टी थ्री वन क्या बोलता है एनी सब्सिडी ग्रांट और रिइंबर्समेंट विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड एसेट हैज टू बी फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ एसेट इट इज रिटन इन एक्सप्लेनेशन टेन टू फोर्टी थ्री वन तो उसका डिटेल दो तो अगर इस साल आपको कोई सब्सिडी मिली है ग्रांट मिली है रिइंबर्समेंट मिला है गवर्नमेंट गवर्नमेंट या किसी और अथॉरिटी से उसका डिटेल देना पड़ेगा ये सब करने के बाद आपको इस साल का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा कैसे मिलेगा ब्लॉक का ये सारे कॉलम्स बनाने पड़ेंगे आपको इस तरीके से ये फॉर्म में इन्होंने ऐसा दिया है बट प्रैक्टिकल लाइफ में हम इस तरीके से कॉलम बनाएंगे एक के बाजू में एक के बाजू में।, में एसेट का डिस्क्रिप्शन से एंड मशीनरी रेट ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से फिफ्टीन परसेंट उसका एक्चुअल कॉस्ट या डब्ल्यू डीवी

अब जो क्लॉज नंबर नाइनटीन है ये लंबी लिस्ट है और इसमें से बहुत सारे सेक्शन आज की तारीख में रेलिवेंट नहीं है स्पेशली पहले पहले दो थर्टी टू ए सी तो एक जमाने में खत्म हो चुका है थर्टी टू ए हाँ मैं मानता हूं रवि आगे के क्लॉजेस में भी सेंडवाइट लिखा होगा बहुत सारी चीजें दो तीन जगह पे रिपीट भी होती है इट्स ऑल फाइन इज नथिंग रॉन्ग इन दैट वो होता है कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दो तीन जगह पे रिपीट होती है वो इनकम टैक्स रिटर्न में भी होती है बेटा थर्टी टू एसी निकल गया थर्टी टू ए डी निकल गया थर्टी थ्री ए बी है ए बी एन टू एबल एसी भी निकल गया एडीसी है, है, निकल गया सी 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 ए डी 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 ए सारे प्रोविजन आपके इनकम टैक्स लॉ के अंदर है तो अगर पी एन एल में ये सब कुछ डेबिट किया है मुझे बताना कहना इसे ये सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है

ए बी इन हाउस रिसर्च कर रहा है अगर कंपनी इलेवन शेड्यूल को छोड़कर कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है ए बीबी लाइसेंस बनाता है यहां पर एक और सेक्शन आना चाहिए जो गवर्नमेंट मिस कर दिया ए बी ए स्पेक्ट्रम लाइसेंस यहां पर मिस कर दिया टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में है ही नहीं पता नहीं कौन सा गांजा पी के बनाया है। अरे चार साल पहले का सेक्शन यहां नहीं दिखता है इनको जब एबीबी है तो एबीए बी आना चाहिए अरे कुछ याद है एबीए क्या है एबीबी इज फॉर अमोटाइजेशन ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस बट ए बी एज फॉर स्पेक्ट्रम लाइसेंस फीस आई होप यू नो दैट उसके बाद एसी निकल चुका है रेलेवेंट नहीं आज की तारीख में 2017 में डिसकंटिन्यू हो चुका है जो डिसकंटिन्यू है, वो है जो रेलेवेंट है वो नहीं है इनकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भगवान ही जानता है कैसे लोग इसको अपडेट करते और बोलते ये अपडेटेड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है थर्टी फाइव एडी इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन थर्टी फाइव सीसीए रूरल डेवलपमेंट वालों को पेमेंट करना सीसीबी निकल चुका है सीसीसी एक्सपेंडिचर ऑन नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट थर्टी फाइव सीसीडी एक्सपेंडिचर ऑन स्किल डेवलपमेंट ऑफ कंपनी थर्टी फाइव डी डेट एक्सपेंस थर्टी फाइव डी डी एक्सपेंस थर्टी डी डी ए वी आर एस एन थर्टीशन ऑफ सर्टन एक्सपेंसिस इन रिलेशन टू एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल ऑयल्स आई होप यू नो दैट तो क्या लिखना है सर इनके बारे में अब मुझे बताना ये सारे सेक्शन आर सब्जेक्ट टू लॉट ऑफ कंडीशन जल्दी बोलिए तो आपको यहां पर लिखना है क्या ससी वो सारे कंडीशन वंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है अरे बोलो ना बेटा जैसे यहां पर क्या लिखना है थर्टी थ्री एबी में क्या उसने नाबार्ड में डिपॉजिट किया समय पर डिपॉजिट किया यस और नो क्या ये जिसको पेमेंट कर रहा है साइंटिफिक रिसर्च को डोनेशन दे रहा है क्या सामने वाले ने इसको रिसीट दिया है वैलिड ये सारी चीजें कंडीशन यहां पर वो एडमिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो चेक करना है मुझे बताना आप जब जो छोटे मोटे एस होते हैं उनके केस में ये सब कुछ आता है क्या कभी हाँ बोलिए ना बिल्कुल भी नहीं आने वाला है छोटे मोटे असि के केस में सब कुछ कुछ नहीं आने वाला है ठीक है आगे बढ़े क्लॉथ नंबर ट्वेंटी ऑडिट चेकलिस्ट किसका इंस्टीट्यूट का यश किसका चेकलिस्ट इंस्टीट्यूट का के गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट की बुक में थर्टी फाइव ए बी ए लिखा है मुझे नहीं लगता है इंस्टीट्यूट की बुक में भी नहीं लिखा है मेरे हिसाब से हाँ चेकलिस्ट में लिखा है मेन क्लॉज में नहीं लिखा है उन्होंने तो इंस्टीट्यूट ने भी गलती कर दी ना नीचे हाँ नीचे चेकलिस्ट में लिखा है, 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 है। चेकलिस्ट तो थोड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है वो तो इंस्टीट्यूट का टैक्स ऑडिट का एक पूरा का पूरा गाइडेंस नोट है अगर आपको पता है तो वेबसाइट पे पता है आपको टैक्स ऑडिट का एक गाइडेंस पूरा नोट है साढ़े तीन सौ पेज का उसके अंदर भी है वो वहीं से ढापा है सब कुछ। चेक चेकलिस्ट वो उतना डिटेल चेकलिस्ट कोई पढ़ नहीं सकता पॉसिबल ही नहीं याद रखना okay. 20 है। मतलब क्या है सर ये कंपनी में चार शेयर होल्डर है चार शेयर होल्डर उसमें से दो एम्प्लॉय है ये मैंने क्लास में भी एग्जांपल दिया था आपको चार शेयर होल्डर में से दो एंप्लॉज है अब वो जो दो है ना उनको मैं डिविडेंड कम देता हूं बोनस ज्यादा देता हूं ऐसा क्यों करता हूं मैं ताकि मुझे बोनस का क्या मिल जाए? मिल जाए जाए डिडक्शन अब चार शेयर होल्डर है चारों इक्वल शेयर होल्डर है ट्वेंटी और अगर मैं डिविडेंड डिक्लेयर करता हूं तो चारों को पच्चीस पच्चीस हजार देना चाहिए मेरे को चार शेयर होल्डर है चारों ट्वेंटी फाइव परसेंट है सबको पच्चीस पच्चीस हजार हाथ में आना चाहिए लेकिन जो शेयर होल्डर है ना नहीं है सिर्फ शेयर होल्डर है उनको मैं पच्चीस हजार देता हूं बट द पर्सन हु इज नॉट ओनली शेयर होल्डर बट ऑल्सो एन एम्प्लॉय टू दो आई पे ओनली फाइव थाउजेंड एज डिविडेंड एंड रिमेनिंग ट्वेंटी थाउजेंड आइज पे एज वॉट बोनस तो अगर ऐसा आपको ट्रेंड दिखता है तो आपको वो रिपोर्ट करना है आर यू क्लियर बिकॉज दैट इज नॉट अ बोनस बट दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉफिट्स दैट इज अ डिविडेंड गिवन इन द नेम ऑफ इन द कलर ऑफ बोनस अरे आर यू क्लियर इसके ऊपर एग्जाम्पल भी लिखवाया क्लास के अंदर अरे किया हो कि नहीं पॉइंट नंबर बी डिटेल्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉइज फॉर वेरियस फंड रेफर्ड टू इन सेक्शन थर्टी फाइव थर्टी सिक्स वन फाइव ए मुझे बताओ आई एम एन एम्प्लॉयर एंड आई एम रिसीविंग द फंड्स। एम रिसीविंग द कॉन्ट्रीब्यूशन फॉम एम्प्लॉय डू यू रिमेबर दैट इज फर्स्ट कंसिडर्ड एज एन इनकम ऑफ द एम्प्लॉयर एंड देन इफ द एम्प्लॉयर पेड बाई दलाउड एस डिडक्शन बताइए तो यहां पर आपको क्या क्या देना है डिटेल्स ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर वेरियस फंड रेफर्ड टू इन सेक्शन थर्टी सिक्स वन फाइव है सीरियल नंबर वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है नेचर ऑफ फंड क्या हो सकता है बताइए बता सकते हो नेचर ऑफ फंड में क्या क्या आ सकता है उसमें हाँ नेचर ऑफ फंड में क्या क्या आ सकता है इसमें आ सकता है आपका रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड आपका सुपर एनवेशन फंड आपका ई एस आई सी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस अरे यस और नो उस हिसाब से आपको सीरियल नंबर लिखना है अब सम रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय कितना एम्प्लॉय से मिला ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या है फिफ्टीन ऑफ द फॉलोइंग मंथ अमाउंट एक्चुअली पेड यहां पर द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट टू द कंसर्न अथॉरिटीज तो अगर फिफ्टींथ फॉलोइंग मंथ है और यहां फोर्टीन को पे कर दिया तो अच्छी बात है लेकिन अगर सिक्सटीन को पे किया तो एक गड़बड़ वाली बात है ये डिटेल आपको देना यहां पर अरे क्लियर है ये कौन है ना क्यारी पागल हो गया क्या बेटा आप लोग हो मेरे साथ कि गायब हो गए अब यहां पर कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर जो जनरली क्या हो जाएंगे डिसला हो जाएंगे यस yes, प्रदीप पांचल वहां पर आप एमएल लिमिटेड का केस लॉ डेफिनेटली लिख सकते हो ये वो खर्चे हैं जो जनरली डिसला होते हैं लेकिन पीएनएल में दिख जाए अगर आप ऑडिटर हो और अगर आपको पीएनएल में ये सारी चीजें दिख जाती है तो आपको यहां रिपोर्ट करना है कुछ भी करके रिपोर्ट करना है ठीक है कौन कौन से प्लीज फर्निश डिटेल्स ऑफ द अमाउंट डेबिटेड टू पीएनएल बीइंग इन द नेचर ऑफ कैपिटल अगर लगता है कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है पीएनएल में डेबिट करो डेबिट है उसका नंबर लिखो सीरियल नंबर लिखो अमाउंट लिखो एक खर्चा है दो खर्चा है तीन खर्चा है चार खर्चा है इसलिए सीरियल नंबर दिया है कोई पर्सनल खर्चा है एडवर्टीजमेंट का खर्चा है वो सब की लिस्ट यहां पर लिखो तो क्या क्या लिस्ट है जरा रिपीट करो ये एक इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है प्रैक्टिकल लाइफ में ठीक है जो एक सी ए को देखना पड़ेगा उसको चेक करना पड़ेगा ये सारे पॉइंट क्या क्या चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर पर्सनल एक्सपेंडिचर कोई ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर है जो पर्सनल है और ये सब चीज के लिए ना प्रैक्टिकल लाइफ में मैनेजमेंट से एक डिक्लेरेशन ले लो डिक्लेरेशन ले लो भाई टू बेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट इज डिक्लेरिंग पर्सनल इन रिलेशन टू बिजनेस जहां पर भी जरा भी डाउट आता ना तुमको और जहां तुमको लगता है तुम प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है तुम्हारे लिए हर एक चीज चेक करना क्योंकि एक हजार इन है एक हजार वाउचर से मैं क्या क्या चेक करूं पर्सनल है या बिजनेस है मैं नहीं चेक कर सकता हूं तो मैनेजमेंट से डिक्लेरेशन लेने कहा अरे आर यू क्लियर देखो किसी तो ने एग्जाम्पल दिया डायरेक्टर्स मोबाइल सब्सक्रिप्शन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले परफेक्ट यश यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर तुमको कुछ भी डाउट आता है लिख बिंदास अपनी तरफ से सेफ रहना भाई अपनी तरफ से सेफ रहना क्योंकि आगे जाकर यह नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट गलत है अच्छा मेरे को बताओ अगर एक सीए का टैक्स ऑडिट रिपोर्ट गलत निकला उसमें सब ब्लंडर है तो क्या होगा उसका आगे जाकर कुछ पता है आपको कौन एक्शन लेगा उसके अगेंस्ट DT आप मेरा आप लोगों से सवाल है कि अगर कोई एससी है जो अपना टैक्स ऑडिट कोई चार्ट uh, अकाउंटेंट है उसने ब्लडर किया है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में सीए को पताओ uh, को पता चल गया क्या होगा उसके अगेंस्ट क्या एक्शन होगा कौन एक्शन लेगा उसके अगेंस्ट इनकम टैक्स वाले तो मामूली सी पेनाल्टी लगाएंगे टू सेवेंटी वन जे में दस हजार रुपए की ठीक है अब पांच करोड़ का नुकसान करने के बाद दस हजार रुपए की पेनाल्टी तो कोई भी भर देगा तो असेसिंग ऑफिसर विल इन्फॉर्म दैट पर्टिकुलर थिंग टू द इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करेगा और फिर इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा उसके अगेंस्ट डर चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट नाइनटीन फोर्टी नाइन कुछ पढ़ा है जिंदगी में ऐसा आपने कभी ऑडिट ऑडिट पढ़ते भी हो क्या नहीं रे पागल लोग हाँ पेनाल्टी ऑफ दस हजार वो तो इनकम टैक्स में लगेगी फॉर नेग्लिजेंस है कभी ठीक है चलो नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं तो जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको ऑडिट में दिखता है यहां पर लिखो क्या बात है किसी ने तो क्लॉज का रेफरेंस है क्लॉज शेड्यूल ग्रॉस शेड्यूलिजेंस अट्रैक्ट क्या बात है जीनीत वेरी गुड करेक्ट है पर्सनल एक्सपेंडिचर है लिखो यहां पर ट्रैवलिंग एक्सपेंस मेनली पर्सनल हो सकता है काफी हद तक ठीक है वो लिखो फिर ये तो बचपन से पढ़ रहे हो अब आईपीसी से ये सब फालतू चीज कभी कभी ये काम नहीं आता है यह सब प्रैक्टिकल लाइफ में एडवर्टाइजमेंट इन एब्रा ऑफ है पॉलिटिकल पार्टी इसका क्या यूज है ये सब कोई करता है कि आज की तारीख में कोई नहीं करता हाँ ये बहुत नालायक चीज है बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है मालूम बड़ी बड़ी कंपनीज अपने डायरेक्टर्स के लिए अपने बड़े एम्प्लॉयज के लिए बड़े बड़े क्लब्स में, में मेंबरशिप लेती है बड़े बड़े क्लब्स में मेंबरशिप से माटूंगा जिमखाना में मेंबरशिप लिया पच्चीस लाख रुपए की मेंबरशिप फीस है उसकी और वो पे कर रहे हैं और पी एन एल में डेबिट कर रहे हैं तुम्हारे बाप का राज चल रहा है कुछ केसेस में हाई कोर्ट ने अलाउ भी किया है कुछ केसेस में अलाउ किया है बट मोस्ट ऑफ द केसेस में डिसअलाउ किया है अगर ऐसा कुछ है तो आप रिपोर्ट कर दो वो फिर असेसिंग ऑफिसर के हाथ में उसको क्या करना है कम तो से कम आप उसको नजर में तो लाओ कि ऐसा कुछ कर रहा है असिंग अरे आर यू क्लियर बोलो एक्सपेंडिचर इनकर्ड एट क्लब्स बींग एंट्रेंस फीस एंड सब्सक्रिप्शन एक्सपेंडिचर इनकर्ड एट क्लब्स कॉस्ट फॉर क्लब सर्विसेज एंड फैसिलिटीज यूज्ड रिपोर्ट करो आप फिर एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ पेनाल्टी और फाइन फॉर फॉर वायलेशन ऑफ एनी लॉ टाइम इन फोर्स अगर एस ने कोई वायलेशन किया है, किसी लॉ का से इनकम टैक्स लॉ ही तोड़ा है या जीएसटी लॉ तोड़ा है उसमें पेनल्टी भरा है फाइन भरा है उसका डिटेल दो यहां पर क्योंकि वो सब चीज जिस तरह हो जाती है पीजीबीपी में उसका कोई इनकम टैक्स लॉ में डिडक्शन नहीं है आपके लिए उसके लिए रिपोर्ट करना होगा एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ एनी अदर पेनाटी और फाइन नॉट कवर्ड अबाउट मतलब यहां पर आप कौन सी पेनाल्टी और फाइन आएगी विच इज नॉट Covered by any law other than law. So, here, concept penalty or fine? That is expenditure by way of penalty or fine for violation of any law. So, yahan par, which is not for a violation of any law, but that is also something which is wrong. So, you are paying a penalty. Just a compensatory penalty in nature. GST late fees, bhi hai, definitely. And last but not least, a generalized point expenditure incurred for any purpose which is an offense or which is prohibited by law. तो इसमें और इसमें कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है ठीक है यहां पर आप पेनाल्टी दे रहे हो ठीक है यहां पर पेनाल्टी दे रहे हो किसी भी लॉ के अंदर और यहां पर कोई खर्चा कर रहे हो जो गलत है मतलब यहां पर इनकम टैक्स नहीं भरा तो पेनाल्टी दे रहे हो तो वो यहां रिपोर्ट करने का और यहां पर किसी को ब्राइब दे रहे हो बिजनेस लेने के लिए तो वो यहां पर रिपोर्ट करने का अरे आर यू क्लियर दोनों में फर्क समझो आर यू क्लियर तो किसी को ब्राइब दिया रैनसम दिया तो वो यहां पर आएगा गुंडा चार्जेस यस क्या नाम दिया हर्ष गुप्ता ने हाँ ये है बुक में कहीं तो लिखा है गुंडा चार्जेस कहीं तो लिखा है ये। बड़े आगे अब ये इसी क्लॉज का सब क्लॉज है ठीक है ट्वेंटी वन का ये ए था ए के अंदर ये सारे पॉइंट है जो आपको रिपोर्ट करना है और सब क्लॉज बी के अंदर आपको आपको क्या रिपोर्ट करना है TDS से 40 स्मॉल ए से रिलेटेड सारे डिसअलावेंसेस ठीक है अब आराम आराम से ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ में भी एकेडमिक लाइफ में भी सबसे पहले इसमें क्लॉज वन सब क्लॉज बी पॉइंट नंबर वन उंट इन एडिविबल अंडर फोर्टी ए एस पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट रेफर टू इन तुमको बताया नाजेज है पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट फोर्टी ए वन है वैन यू मेक द पेमेंट टू रेसिडेंट एंड फोर्टी ए थ्री वेन यू मेक द पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट फॉर सैलरी तो तीनों को यहां पर एक एक करके रिपोर्ट करना है पहले बहुत आराम से हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हमेशा भरना पड़ेगा क्योंकि हर कुछ ना कुछ लेट कर ही देता है एज पेमेंट पेमेंट टू टू रेफर इन सब क्लॉज डिटेल्स ऑफ ऑन टैक्स इज नॉट डिडक्टेड तो यहां पर आपको क्या करना है डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड अगर टी डी एस नहीं काटा है डेट ऑफ पेमेंट किस दिन नॉन रेसिडेंट को पे किया क्या नॉन रेसिडेंट को पे किया मतलब कितना अमाउंट पे किया ये आज की तारीख डालो फॉर एग्जाम्पल आज कितनी तारीख है जून को पे किया किसको नॉन रेसिडेंट को एक लाख रुपए डेट ऑफ पेमेंट फोर्थ जून टू थाउजेंड ट्वेंटी नेचर ऑफ पेमेंट से रॉयल्टी और टेक्निकल सर्विसेस नेम एंड एड्रेस ऑफ द देई सामने वाले का नाम और एड्रेस देना पड़ेगा आर यू क्लियर अरे बोलिए ना तो इसमें क्या रिपोर्ट करना है आपको कि टैक्स काटा ही नहीं है बोलते जाओ तो मैं आगे बढ़ता हूं प्लीज टैक्स काटा ही नहीं है अब पॉइंट नंबर बी में क्या रिपोर्ट करना है टैक्स काट दिया है टैक्स काट दिया है। मैंने मैंने तो सामने वाले को पेमेंट करते समय काटा डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑन विच टैक्स बट हेज नॉट बीन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस इन सबसिक्वेंट इक्सपायरी ऑफ दिस्क्राइब अंडर टू हंड्रेड वन तो अब आपको यहां पर क्या रिपोर्ट करना है वो बराबर से देख लो यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना नहीं तो कर दोगे गड़बड़ टैक्स काटा है आंसर इज यस लेकिन भरा नहीं है कभी नहीं भरा है मैंने इस साल नहीं भरा और इन द सबसिक्वेंट ईयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब अंडर टू हंड्रेड वन वॉट इज प्रिस्क्राइब अंडर टू हंड्रेड वन बोलो ना बेटा टू हंड्रेड वन में क्या डेट है यस yes. यहां पर वन थर्टी नाइन वन की ड्यूडेट नहीं लिखा है यहां पर टू हंड्रेड वन की ड्यूडेट लिखा है टू हंड्रेड वन की ड्यूडेट मतलब इस महीने का टैक्स अगले महीने की सात तारीख और लास्ट महीने का टैक्स थर्टियत थर्टीएत अप्रैल अरे बोलो ना बेटा नहीं टू हंड्रेड वन में ड्यू डेट ऑफ टी डी एस रिटर्न नहीं है ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है अरे मार्च के लिए अप्रैल होता है यश मार्च के लिए मार्च नहीं होता है मार्च के लिए थर्टीएत अप्रैल है अरे हाँ या ना तो अभी आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन टैक्स काट दिया काट दिया लेकिन भरा नहीं कब तक नहीं भरा जो टीडीएस की ड्यू डेट है उस डेट तक नहीं भरा डेट ऑफ पेमेंट लिखो अमाउंट ऑफ पेमेंट लिखो नेचर ऑफ पेमेंट लिखो नेम एंड एड्रेस ऑफ द पे लिखो और यहां पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया तुमको समझ में आया यहां पर एक्स्ट्रा पॉइंट कई को आया ऊपर नहीं आ सकता था क्योंकि ऊपर तो काटा ही नहीं था तो ये पॉइंट ऊपर कैसे हो सकता है लेकिन इधर तो डेडक किया है ना तो ये पॉइंट इसलिए नीचे आ गया ठीक है अब ये सब चीज आप किससे वेरीफाई करोगे बेटा सब चलान वलान बराबर से देखोगे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करोगे डिडक्ट करने का मतलब क्या होता है डिडक्ट करने का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसने प्रोविजन एंट्री मारा है कि नहीं मारा है आर यू क्लियर और नॉट अरे आर यू क्लियर पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर टू इज अगेन डिवाइडेड टू पार्ट ये किसको पे कर रहे हो सब क्लॉज बने में कौन आता है जल्दी बोलो जल्दी बोलो अच्छा सात तारीख को मैं मॉक टेस्ट का भी डिस्कशन कर रहा हूं सात जून को मॉक टेस्ट पेपर जो आपके दो मॉक टेस्ट आए ना उसका डिस्कशन करने वाला हूं जितना होगा उतना करूंगा और बाकी कंटिन्यू करूंगा दोनों तो नहीं हो पाएगा एक तो करूंगा कम से कम टाइमिंग वाइमिंग मैं बता देता हूं आप डिटेल्स ऑफ द पेमेंट ये किसका है रेसिडेंट को पे कर रहे हो अब यहां पर बहुत ज्यादा गौर से सुनना ये सेम है देखो इसकी तरह बराबर सेम है ये भी सेम है ठीक है लेकिन यहां पर देखो वन का ड्यू डेट डाल दिया है अरे कुछ समझ में आता है क्या बोला और यहां पर एक और मिस्टेक किया यहां पर पे ही आना चाहिए पेयर नहीं आना चाहिए नीचे फिर हैश टैग करके लिखा भी है शुड बी रेड एस पे <laughs> वो गवर्नमेंट ने खुद ही किया है कि हमसे गलती हो गई थी हमने वो गलत रिपोर्ट डाला था हम चेंज करते हैं लेकिन हम लोग पूरा चेंज नहीं कर रहे हम लोग मिस्टेक को नीचे आइडेंटिफाई करके लिख रहे कुछ समझ में आया क्या बोला पेयर का नाम और एड्रेस क्या मैं अपने रिपोर्ट में अपना ही नाम लिखूं पागल लुक कुछ समझ में आया क्या बोला बेटा मैं अपने रिपोर्ट में अपना ही नाम तो नहीं लिखूंगा ना बेवकूफी हो जाएगी वो पेई का नाम आएगा ना तो डिटेल्स ऑफ द पेमेंट ऑन टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बट हैज नॉट बीन पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट बेटा ये ये क्लियर है कि यहां वन थर्टी अगर नहीं भरा है ना तो रिपोर्ट करना है और यहां पर अगर 201 की ड्यू डेट तक भी नहीं भरा है ना तो भी रिपोर्ट करना है डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस सो दिस इज इज स्ट्रिक्टर प्रोविजन रिपोर्टिंग अरे आर यू क्लियर हाँ, विशेष किया है उन्होंने दिमाग खराब होता है मेरा देख के कितनी जगह पे कितने एरर किए अभी आए नहीं अभी देखना आगे के आठ दस क्लॉज में कितनी मिस्टेक्स मिस्टेक है इनकी बताऊंगा आपको यह मिस्टेक है चेंज करो प्रैक्टिकल लाइफ में गवर्नमेंट को चेंज करना है मुझे क्या करना है सब चीज से ए, जल्दी बोलो यहां तक क्लियर है सबको बोलोगे आज हाँ, अभी आगे बढ़ते अंडर क्लॉज सब क्लॉज वन सी अब सब क्लॉज वन सी रेलिवेंट नहीं है ये एक किस्म का फ्रिंज बेनिफिट टैक्स होता था जो बहुत पहले निकल चुका है ठीक है नीचे नोट डाला है कि इन्होंने नहीं डाला है जाने दो तो फिर तो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स का कॉन्सेप्ट अभी एप्लीकेबल ही नहीं है अच्छा सब क्लॉज टू है क्या है जल्दी बोलो यहां पर क्या रिपोर्ट करोगे आप वेल टैक्स रिपोर्ट करोगे पागल लोग पता है अगर वो भी है तो क्योंकि अभी तो वेल well टैक्स भी नहीं रहा ठीक है टू बी क्या है ये सब बहुत रेयर केस है टू बी क्या है जिसमें अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग स्टेट गवर्नमेंट को कुछ रॉयल्टी लाइसेंस फी लाइसेंस चार्ज पता है मैंने लॉजिक बताया था अपने ही अपनी ही अंडरटेकिंग से पैसा विड्रॉ करने के लिए ये लोग अपनी अंडरटेकिंग के ऊपर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट अपनी अंडरटेकिंग पे अलग अलग किस्म के चार्जेस लगाती है याद आता है अरे बोलो रे बोलो बहुत रेयर केसेस में काम आएगा ये सब कुछ ये डे टू डे लाइफ में काम नहीं आने वाला है जल्दी बोलो फिर क्लॉज थ्री के अंदर क्या है अगर नॉन रेसिडेंट को आप पे कर रहे हो क्या सैलरी इफ यू आर पेइंग सैलरी टू नॉन रेसिडेंट यू हैव टू पुट द डेट्स ओवर वॉरियर डेट ऑफ पेमेंट डालो अमाउंट ऑफ पेमेंट डालो नेम एंड एड्रेस ऑफ पे बस ये तीन ही डिटेल चाहिए और कुछ भी डिटेल नहीं चाहिए ऐसा सब भाषण नहीं चाहिए वहां पर फोर्टी में यह सिर्फ तीन ही डिटेल चाहिए और कोई भी भाषण नहीं चाहिए क्लियर है सब क्लास फोर में क्या है सर अगर आप एम्प्लॉयर हो और आप एम्प्लॉई के रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो पैसा ट्रांसफर करते हो उसका डिडक्शन लेना चाहते हो तो आपको प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे अंडर द इनकम टैक्स लॉ प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट्स क्या होता है एक रेकोग्नाइज प्रोविडेंट फंड बनाने के लिए आपको एक ट्रस्ट फॉर्म करना पड़ता है तो आपने वो ट्रस्ट फॉर्म किया या नहीं किया वो ट्रस्ट को सीआईटी के पास जाकर रजिस्टर करवाना पड़ता है वो किया या नहीं किया अगर ये सब प्रिस्क्राइब अरे नहीं करोगे तो तुम्हारा खर्चा यहां पर हो जाएगा में में और ये सब फाइव में क्या आएगा? कि अगर अपने के के लिए ऊपर कोई टैक्स है, तो एम्प्लॉयर के हाथ में वो टैक्स डिस हो जाता है इसलिए उसको यहां पर रिपोर्ट करना जरूरी है पूरा इनकम टैक्स का इनसाइड आउट नॉलेज होगा तो आपको समझ में आएगा ना तो क्या पल्ले पड़ेगा हर एक क्लॉज के बाद इनकम टैक्स एक्ट खोलना पड़ेगा अरे हाँ या ना <coughs> <coughs> बोलोगे कुछ नेक्स्ट अमाउंट डेबिटेड टू पीएनएल बीइंग इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन रेमेशन इन एडमिसेबल अंडर फोर्टी बी और बी एंड कंप्यूटेशन देर ऑफ तो अभी आपको यहाँ पर बुक प्रॉफिट का कंप्यूटेशन दिखाना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कितना खर्चा डिसलाव हो रहा है उसके लिए एज एन ऑडिटर आपको क्या करना पड़ेगा आपको पार्टनरशिप फॉर्म या एल एल पी की डीड मंगवानी पड़ेगी डीड के अंदर चेक करना पड़ेगा Remuneration is authorized by deed, क्या रेमेशन इज ऑथोराइज बाई डीड क्या रेमोडोशन रेट्रोस्पेक्टिव तो नहीं दे रहा है क्योंकि retrospective allowed नहीं है क्या remuneration के लिए basis लिखा हुआ है या तो अमाउंट लिखा होना चाहिए या manner होना चाहिए क्या interest के लिए rate of interest लिखा हुआ है ये सारी चीजें लिखी होनी चाहिए किसके अंदर डीट के अंदर ये आप चेक करोगे हो सके तो डीट का एक कॉपी बनाकर अपने वर्किंग पेपर के अंदर भी रखिए ये सब चीज अपने वर्किंग पेपर के अंदर भी रखिए साथ साथ में आपको उसके बाद कंप्यूटेशन करना है रेमडोरेशन का एज पर सेक्शन फोर्टी बी फॉर पार्टनरशिप फॉर्म एन एल और देखना है ने कितना पी एन एल में डेबिट किया है और फोर्टी बी के हिसाब से कितना आता है अगर ज्यादा आता है तो जितना भी ज्यादा आता है जितना भी इनएडमिबल है अलाउड नहीं है वो इधर रिपोर्ट करना पड़ेगा और फोर्टी बी ए एओपी के लिए तो पूरा का पूरा रेमिंडेशन और इंटरेस्ट डिस हो जाता है अगर आपको याद है तो पार्टनरशिप फॉर्म में तो आपको थोड़ा बहुत मिलेगा अच्छा खासा मिलेगा नहीं लेकिन एओपी में तो ये सब चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी अग्रीमेंट के थ्रू पार्टनरशिप डीड के थ्रू एओपी के अग्रीमेंट के थ्रू पार्टनरशिप डीड स्पेसिफिकली आपके पास उसका कॉपी ले लेना चाहिए एटलीस्ट पूरा नहीं तो उस रेम्यूनरेशन वाले क्लॉज का कॉपी ले लेना चाहिए ठीक है अब आते हैं तुम्हारे सबसे फेवरेट सेक्शन की तरफ बराबर कौन सा सेक्शन फोर्टी थ्री का डिस्कलोजर करो क्या अससी ने क्या आपके क्लाइंट ने आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो क्या आपके क्लाइंट ने किसी को एक दिन में दस हजार रुपए से ज्यादा का पेमेंट किया और अगर किया तो क्या अदर देन अकाउंट पे क्रॉस चेक बैंक ड्राफ्ट ईसीएस किया अगर किया तो रिपोर्ट करो अब यहां पर एक मिस्टेक है सबसे बड़ा मिस्टेक बताता हूं क्या है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर एलिमेंट डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस वेदर द एक्सपेंडिचर कवर्ड अंडर फोर्टी एट थ्री रीड विथ रूल सिक्स डी डी वर मेड बाय अकाउंट पे ही चेक अकाउंट पे ड्राफ्ट फुल स्टॉप अब ईसीएस इनका बाप लिखेगा और सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब इनका बाप लिखेगा वो भी है ना बेटा वो दो भी तो है अरे हाँ या ना नहीं बोलोगे बेटा आज नाराज हो मुझसे अरे भाई यहां पर सिर्फ यही दो मोड अलाउड है क्या फोर्टी ए थ्री के अंदर ईसीएस भी तो अलाउड है और इलेक्ट्रॉनिक मोड भी गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया जिसके अंदर कितने सारे मोड है यार वो भी तो लिखो अब ये सबसे मतलब इंपॉर्टेंट भी और होपलेस भी है प्रैक्टिकल लाइफ में कभी जिंदगी में देखा किसी क्लाइंट का ये रिपोर्ट होते हुए ऑनेस्टली बताओ यस yes, भीम डेबिट कार्ड एनईएफटी आरटीजीएस यूपीआई ये सब भी चलता है इलेक्ट्रॉनिक मोड प्रिस्क्राइब है मुझे पता प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कभी आपने ये क्लॉज को रिपोर्ट होते हुए देखा है हाँ के चार्टेड अकाउंटेंट ने यह रिपोर्ट कर दिया अगर देखा है तो आप बहुत ही ईमानदार चार्टेड हो ने तो जनरली क्या करते हैं ज्यादातर लोग जो नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी नहीं गलत है बहुत गलत है ऐसा हम लोग तो बिल्कुल नहीं करते झाड़ते सीधा क्लाइंट को हम लोग सीधा रिपोर्ट कर देते हम लोग उसको तोड़ देते हैं. इनकम को एक्सपेंडिचर को दो दिन में तोड़ देते सत्रह हजार का एक्सपेंडिचर है कैश आठ हजार नौ हजार दो अलग दिन में दो अलग बिल बना देंगे या दो दिन में पेमेंट करवा देंगे गलत तरीका है नहीं करना चाहिए वो बट लोग करते हैं तो यहां पर आपको सीरियल नंबर लिखना है कितने पेमेंट है ऐसे जो एससी ने किया है डेट ऑफ पेमेंट नेचर ऑफ पेमेंट किस चीज का पेमेंट किया अमाउंट सामने वाले का नाम परमानेंट अकाउंट नंबर सामने वाले का आधार नंबर दोनों में से कुछ भी एक दे दो ये सब डिटेल्स चाहिए हमको प्लस ये भी चेक करना है आपको क्या ससी रूल सिक्स डी में तो कवर नहीं होता है ना अगर सिक्स डी में कवर होता है तो फिर उसको माफ कर दो ठीक है बोलो ना बेटा फिर ए क्या बोलता है ए बोलता है कि अगर आपने एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर में क्लेम किया था लेकिन पेमेंट इस साल आप कैश में कर रहे हो अदर देन अकाउंट पे क्रॉस चेक बैंक ड्राफ्ट ईसीएस सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड इस साल कर रहे हो खर्चा लास्ट ईयर एक्सपेंडिचर क्लेम किया था अक्रू बेसिस पर क्लेम कर लिया था इस साल पेमेंट कर रहे हो और अदर देन अकाउंट पे ही क्रॉस चेक कर रहे हो तो आपको यहां पर चेक करना पड़ेगा और यहां पर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि किसको पेमेंट कर रहे हो कितना पेमेंट कर रहे हो नेचर ऑफ पेमेंट क्या है डेट ऑफ पेमेंट क्या है सीरियल नंबर क्या है और रूल सिक्स डी में अगर वो आता है तो फिर छोड़ दो और आप अगर ये भी चेक करो कि सामने वाला अगर क्या है सामने वाला अगर रोड ट्रांसपोर्ट वाला है गुड्स कैरेज एस है तो उसके लिए फिर थर्टी की लिमिट है ये भी ये भी चेक करना जरूरी है अदरवाइज टेन थाउजेंड है बराबर ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी इसके लिए रूल सिक्स डी डी अच्छे से पता होना चाहिए अरे हाँ या ना अब इसमें एक रिलैक्सेशन दिया है इन्होंने ऑडिटर्स को रिलैक्सेशन दिया है मुझे बताओ एक बड़ी कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा हूं जिसने हजारों ट्रांजेक्शन है तो मुझे बताओ मैक्सिमम ट्रांजेक्शन दस हजार के ऊपर वाले ही होंगे बोलो ना प्लीज एक बड़ी कंपनी है मैक्सिमम ट्रांजेक्शन दस हजार के ऊपर होंगे अब मुझे बताओ से इस मैं जिस कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं बहुत बड़ी कंपनी है उसने पांच हजार ट्रांजेक्शन किया है दस हजार के ऊपर चेक से अब मेरे को नहीं पता वो चेक वो चेक क्रॉस अकाउंट पे ही चेक है नॉर्मल चेक है मैं कैसे वेरीफाई करूं बताओ ना बेटा हाउ विल आई वेरीफाई दैट कंपनी ने पांच हजार पेमेंट किया है अलग अलग लोगों को कुछ एम्प्लॉ को किया है कुछ किसको किया है कुछ कुछ को किया है पता नहीं मुझे नहीं पता है वो चेक के ऊपर उन्होंने अकाउंट पे ही चेक लिखा है कि नहीं लिखा है या बैरर चेक है या नॉर्मल चेक है तो क्या इट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू कॉल फॉर दो हंड्रेड चेक का कॉपी फ्रॉम बैंक एंड सी संदीप कुमार मैं बहुत बढ़िया हूं बेटा आप कैसे हो क्या वो पांच हजार चेक का कॉपी मंगवाओ बैंक से मैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ऐसे केस में बोला गया है कि सीए को क्या करना चाहिए अपने तरफ से, से सेफ सर सेफर साइड पर रहने के लिए कि तुम एक डिक्लेरेशन ले लो एक रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लो किससे अपने क्लाइंट से कि भाई हमने जो भी पेमेंट किया वो सब अकाउंट पे चेक से किया है। अरे हाँ या ना उनसे एक रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लो आर यू क्लियर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लेना पड़ेगा बढ़ो आगे ये पॉइंट नंबर बी उसके लिए कि लास्ट ईयर आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया था इस साल आप पेमेंट कर रहे हो बाकी सब कुछ सेम है चेक करना फोर्टी एट थ्री है उसके लिए और फोर्टी एट थ्री किसके लिए इसी साल एक्सपेंडिचर किया इसी साल पेमेंट किया नेक्स्ट प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी नॉट अलावेबल अंडर फोर्टी एट सेवन क्या बोलता है फोर्टी सेवन की अगर कोई प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी है वो डिस हो जाता है प्रोविजन डिस होता है एक्चुअल पेमेंट करोगे तो अलाव होगा तो आपको यहां पर कुछ बेसिक प्रोसीजरल चेकिंग करना है कि ग्रेजुएटी जो फंड है वो रजिस्टर्ड है, है क्या उसने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया है कि नहीं लिया है फंड रेलिवेंट फंड है क्या नहीं है फंड अनरिक फंड तो नहीं है ये चीजें चेक करना है उसके बावजूद भी आपको प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेजुअट हो जाता है जब एक्चुअल पेमेंट होता है तब अला होता है वो सब यहां रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है अगर क्लाइंट ने आपके कुछ प्रोविजन किया है तो उसका रिपोर्ट कर दो बाकी छोड़ दो ठीक है बोलिए ना बेटा फोर्टी थ्री बी बाद में आएगा बेटा बाद में फोर्टी थ्री बी तो अलग से क्लॉज है ना उसका पूरा ठीक है उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट एनी सम पेड बाय एसएससी एज एन एम्प्लॉयर नॉट अलावेबल अंडर फोर्टी ए नाइन सर इसके अंदर क्या आता है मैं एम्प्लॉयर हूं और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए कोई अनिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड खोला है उसमें अगर कुछ पेमेंट किया है अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड को अगर कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है तो वो यहां हो है और फोर्टी नाइन में डिसला होता है और चार्टेड अकाउंटेंट को उसको यहां पर रिपोर्ट करना पड़ेगा कि कितना अमाउंट पे किया किसको किया क्या नेचर एक्सेट्रा वो यहां पर लिखना पड़ेगा ठीक है क्लॉज नंबर जी पर्टिकुलर्स ऑफ एनी लाइबिलिटी ऑफ कंटिजेंट की लाइबिलिटी डेबिटेड है पीएनएल में डेबिटेड है तो ही लिखोगे ना तो काय को लिखोगे मिसाल के तौर पे कोई कोर्ट में केस चल रहा है अभी उसका कोई श्योरिटी नहीं है वो पेमेंट करना है नहीं कर रहा है आपने पीएनएल में डेबिट मार दिया आपने पी में डेबिट मार दिया उसका रिपोर्ट करना पड़ेगा उसका प्रोसेस है फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आपको रिपोर्ट करना है सीरियल नंबर लिखना है फिर ईयर लिखना है टोटल अमाउंट कितना डेबिट किया रीजन फॉर डेबिट रिमार्क ये सब चीजें आपको वहां लिखनी होगी जब आप ऑनलाइन पोर्टल में ऑडिट रिपोर्ट भरोगे ना वहां पर सब फॉर्मेट ऑटोमेटिकली आ जाता है उसके अंदर आपको डिटेल भरनी होती है आजकल आपको ये वैसे भी फिजिकली भरोगे नहीं तो भी चलता है भरना चाहिए वैसे तो साइन लेके थप्पा मार के बट ऑनलाइन भी भर दोगे अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने डीएससी को यूज करके डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को यूज करके सीए अगर मैं अपने क्लाइंट के लिए ऑनलाइन भर देता हूं तो दैट इज आल्सो सफिशिएंट उसके बाद अगर कोई फोर्टीन ए से रिलेटेड कोई खर्चा है तो मैंशन करो कि अगर एस एस ने कोई ऐसा खर्चा किया है Which is in to what? Then that. आपको कौन सा खर्चा मेंशन करना है इंटरेस्ट का खर्चा वो सबसे ज्यादा होता है येस और नो बोलिए फोर्टीन ए से रिलेटेड कोई खर्चा और एक आखिरी पॉइंट अभी आज के लिए उठा रहा हूं इसके बाद में आगे नहीं बढ़ रहा हूं ठीक है बहुत ज्यादा हो, हो जाएगा दो घंटा ऑलरेडी हो चुका है अगले, अगले में एक और लेके में इसको खत्म कर दूंगा अगर आप लोग चाहते हो तो एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट अमाउंट प्रोवाइज टू थर्टी थ्री सर वॉट इज मैं टू थर्टी एस एन ऑडिटर आपको चेक करना पड़ेगा प्रोवाइजर टू थर्टी सिक्स वन थ्री जैसा तो कुछ नहीं किया है सर प्रोवाइजर टू थर्टी सिक्स वन थ्री में वॉट इज थर्टी थ्री थर्टी सिक्स वन थ्री टॉक्स अबउट डिशक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल बराबर अब उसके प्रोवाइज में क्या लिखा है उसके प्रोवाइजो में लिखा है कि अगर आपने कोई असेट खरीदा और अगर उसको पुट टू यूज नहीं किया है तो उसका खर्चा आपको अलाउड नहीं होगा एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो अगर ऐसा कोई असैट असि ने खरीदा है जो पुट टू यूज नहीं किया है और उसके लिए लोन लिया है मैंने लोन लिया असेट खरीदा लेकिन पुट टू यूज नहीं किया तो उसका इंटरेस्ट आप नहीं अलाउ कर सकते हो थर्टी सिक्स वन थ्री में आपको वहां पर उसका नेचर अमाउंट अमाउंट सब मैंशन करना पड़ेगा अरे आर यू क्लियर सो दिस इज वेयर वी जस्ट स्टॉप टू सेशन नहीं तो बहुत हैवी हो जाएगा ठीक है क्योंकि आगे के पॉइंट्स और हैवी है इनकम टैक्स का पूरे इन साइड आउट प्रोविजन पता होना चाहिए पता होगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ठीक है तो पढ़ाई करो अच्छे से बेटा ये मत सोचो कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा आप मेरी राय पूछोगे कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा तो मेरा तो दिल बोलता है कि नहीं होगा ठीक है बट हम लोग ये एजम्शन लेकर चलेंगे ही नहीं कि एग्जाम नहीं होगा हम लोग ये एजम्पन लेके चले और आप में से भी ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि एग्जाम नहीं होगा ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है ठीक है मैक्सिमम लोगों को यही लगेगा कि एग्जाम नहीं होने वाला है सर क्योंकि जिस हिसाब से सिचुएशन है उस हिसाब से मुश्किल लग रहा है कि एग्जाम होगा बट वो चीज मत सोचो अपने पास एक महीना है अपने को ये एक महीना बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना है ये चीज याद रखना ऐसा सोचने का कि ये भगवान की तरफ से हमारे लिए ब्लेसिंग है कि हमको एक महीना एक्स्ट्रा मिला तो जो चीजें मुझसे छूट गई थी मे में, में एग्जाम देने के समय अब वो भी चीजें मैं कवर करके जाऊँगा ये एटीट्यूड रखना बेटा पॉजिटिवली सोचो सब कुछ आसपास सब कुछ बहुत नेगेटिव है मैं मानता हूं आप में से बहुत से लोगों को शायद कोविड हो गया होगा आपके घर वालों को हो गया होगा आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए वो सारी चीजें मैं मानता हूं कि वो सब है वो सबके साथ हो रहा है बेटा देश में लेकिन वी हैव टू कम आउट स्ट्रांग आउट ऑफ दिस अपने को इन सब चीजों से बाहर स्ट्रांग होना है बेटा स्ट्रांगली बाहर आना है उसके लिए मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना है तुमको पांच जुलाई से एग्जाम होगा कि नहीं होगा हम ज्यादातर लोगों को पता नहीं होने वाला है बट ये एटीट्यूड के साथ मत रहो कि नहीं होगा अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन करो कि एग्जाम पांच तारीख को होगा उस हिसाब से ही मेरे को प्रिपेयर करना है और इसके लिए भी तैयार हो के आगे भी पोस्टपोन हो सकता है कैंसल हो सकता है नवंबर में शिफ्ट कुछ लास्ट ईयर भी तो ऐसा ही हुआ लेकिन जिन्होंने अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखा वो पास हुए ना आपको भी वही करना है बेटा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो कि आपने जो पढ़ा है आप एग्जाम में अच्छा करोगे अब ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आपकी मेहनत पे पानी मत फिरने दो ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स है ये ना ही आपके हाथ में ना ही मेरे हाथ में ना ही इंस्टीट्यूट के हाथ में इंस्टीट्यूट कुछ हद तक गलत है कुछ हद तक सही भी है अभी कौन डिसाइड करेगा क्या सही क्या गलत इसका क्या डेफिनेशन है सही और गलत का के ने जुलाई को एग्जाम रखा ये सही है या गलत है कुछ लोग बोलेंगे सही है कुछ लोग बोलेंगे गलत है उन सब चीजों में नहीं घुसते बेटा लेट अस नॉट गेट इन टू दैट अस टॉक अबाउट व्हाट इज इन आर कंट्रोल हमारे गलत बोलने से क्या होगा हमारे सही बोलने से क्या डिसीजन चेंज हो जाएंगे नहीं होंगे बेस्ट ऑफ द वी कैन गेट हमको उसके उसके अलावा और कुछ नहीं सोचना है बेटा मेरी तरफ से आप लोगों के लिए जो भी मदद होगी वो मैं करता रहूंगा जैसे मैं अभी लेक्चर डालूंगा आप लोगों के लिए कौन सा मैं लाइव ही लूंगा अभी जो भी लूंगा तो अभी अगले हफ्ते मैं आपके लिए मॉक टेस्ट भी डिस्कस कर लूंगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे साथ पढ़ लो उसके बाद मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन की जो केस स्टडी डाइजेस्ट आई है पच्चीस केस स्टडी उसमें से कुछ केस स्टडीज मैं डिस्कस करना चालू करूंगा यहाँ पर लाइव आप लोगों के साथ अगर आप इंटरनेशनल पेपर सिक्स के स्टूडेंट हो मैं डाउट सॉल्विंग सेशन भी नेक्स्ट वीक से रेज्यूम करने वाला हूं बट आपको अपनी तरफ से अपना दिमाग एकदम स्थिर रखना है एकदम कॉन्स्टेंट कि भाई पहला ऑप्शन एग्जाम पांच जुलाई को होगा यही सोच के पढ़ना है दूसरा ऑप्शन अगर पंद्रह दिन बाद ये न्यूज आती है कि एग्जाम पांच जुलाई से नहीं होने वाला है तो मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना है मैं मानता हूं आपको थोड़ा दिक्कत होगी लेकिन इस सिचुएशन में अगर आप अपने आप को स्टेबल रखते हो तो ही तो आप स्ट्रांग कहलाए जाओगे ना बेटा इन लाइफ यू हैव टू यू हैव टू फाइट लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ आपको जिंदगी में बहुत सारी ऐसी लड़ाई लड़ना है ऐसा सोचो ये उसका एक प्रैक्टिस है इसको भी पॉजिटिवली लो ये उसका एक प्रैक्टिस है एक मेरे को इससे सीखने मिल रहा है कि भाई कैसे मैं स्ट्रेस को कंट्रोल करू कैसे में पेशेंस को कंट्रोल करूं पेशेंस नहीं अभी मेरे में एग्जाम देना है जल्द से जल्द लेकिन इसी चीज में सब सब स्टूडेंट के साथ यही हो रहा है तो अब वो लोग आगे निकल जाएंगे जो इन चीजों पर कंट्रोल करेगा पढ़ाई तो सब कर रहे हैं सो so प्लीज अपने मूड को एनलाइटन रखो खुश रहो पूरा दिन रोते मत रहो। मेरे को मैसेज करो कोई टेंशन नहीं है तुम बहुत से लोग मेरे को मैसेज करते रहते दिन भर सर एग्जाम का क्या करे सर क्या करे मूड नहीं हो रहा है कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है मेरी तरफ से जितना होता है मैं उनको रिप्लाई भी करता हूं ठीक है जितना होता है शायद किसी को नहीं कर पाऊं तो मैं ये चाहता हूं मैं रिप्लाई कर इसलिए करता हूं कि शायद मेरे रिप्लाई से शायद वो उनका मूड थोड़ा ठीक हो जाए देर इज नो अदर रीजन फॉर मी टू रिप्लाई ठीक है क्योंकि मुझे भी एग्जैक्टली exactly नहीं पता है कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे बट हम सब आज ये ओत लेते हैं कि एग्जाम होंगे ये सोच के चलो अभी उसी हिसाब से पढ़ते हैं जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम अगर नहीं होते दस दिन बाद अनाउंसमेंट आता है पंद्रह दिन बाद अनाउंसमेंट होता है तो भी अपना मूड नहीं खराब करना है नया टारगेट सेट करना है अभी साढ़े चार सौ का टारगेट था तो पांच सौ का टारगेट आएगा साढ़े पांच सौ का टारगेट आएगा क्योंकि और समय मिलेगा ये एटीट्यूड के साथ रहो बेटा पॉजिटिव एटीट्यूड बिकॉज कुछ भी हो रहा है दिस इज नॉट एंड ऑफ लाइफ ना यू आर स्टेइंग एट होम एंड इफ यू आर सेविंग योर लाइफ नथिंग इज बिगर देन दैट ठीक है भगवान ना करे आप एग्जाम देने चले गए और वहां कोविड हो जाए और कुछ हो जाए आपको तो फिर क्या होगा तो मोर इंपॉर्टेंट क्या है आज की तारीख में लाइफ सेव करना तो घर पे बैठो चुपचाप पढ़ाई करो ये सोचो पांच तारीख से एग्जाम होना है मतलब होना है नहीं होता है खल्ली बल्ली टेंशन नहीं लेने का नहीं हुआ तो क्या मेरे अकेले का नहीं हुआ क्या पूरे देश में एक डेढ़ लाख सी एफ स्टूडेंट्स है, है। सबका नहीं हुआ सबकी बैंड बजी है मजाक में उड़ा दो और अपने काम पे लग जाओ उसको लेकर बैठो मत ठीक है सो अगले हफ्ते हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे क्लॉज नंबर ट्वेंटी थ्री से और हम लोग फोर्टी फोर तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आज हमने आधे क्लासेस कंप्लीट कर लिए ट्वेंटी टू आधे हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू कर देंगे ठीक है और अगले हफ्ते सात तारीख को मेरा एक लेक्चर है अगेन छ या आठ बजे मैं टाइमिंग आपको एजेन के टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा छ या आठ बजे में से एक मेरे को एग्जाम है डाला हूं पहले मेरे को याद नहीं है क्या टाइम मॉक टेस्ट का डिस्कशन करूंगा मेनली एम का डिस्कशन क्योंकि एम की रीजनिंग आपको पता नहीं चलती है ठीक है प्लस एमसी की रीजनिंग जो इंस्टीट्यूट का एमसीक्यू बुक है उसका पूरा रीजनिंग का बुक मैंने आप सबको दिया हूं अगर किसी को नहीं मिला है तो एजेनेक्स में फोन करके मांग लो ठीक है एट जीरो थ्री टू फोर 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 तो आईसीआई के जो वन फोर्टी सेवन जितने भी एमसीक्यूज है ना उनके टू फोर्टी सेवन एमसीक्यूज उन सबका रीजनिंग मैंने दिया हूं आप वहां से ले लेना ठीक है सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू गॉड ब्लेस यू ऑल टेक केयर और पॉजिटिव रहो बेटा पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है इस समय किसी भी नेगेटिविटी से दूर रहो कोई दोस्त ये बोलता है अरे यार क्या एग्जाम कैंसिल होते रहे बोले को क्या करने का तेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिलना है पढ़ने पढ़ चुपचाप मैंने तीन चैप्टर छोड़ा था अभी मैं वो भी कवर करके जाऊंगा मैंने दो बार रिवाइज किया था डी अभी मैं तीन बार रिवाइज करके जाऊंगा ताकि डिफिकल्ट भी पेपर आए तो मैं पॉजिटिव रहो लाइफ में पॉजिटिव हमको दिक्कत नहीं हो रही है बेटा हम टीचर्स को बहुत दिक्कत हो रही है हमको जरा भी मजा नहीं आ रहा घर पे बैठ के पढ़ाने क्यों क्योंकि इट्स नॉट माई जॉब मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मैं घर पर बैठूँ मैं कभी तुमने अगर मेरे को लेक्चर में देखा है तो तुमको पता होगा मैं कभी जिंदगी में क्लास में बैठता नहीं हूँ मैं हमेशा खड़े रहता हूँ लेकिन यहाँ बैठ के इतना लेजी हो गया हूँ घर में बैठे बैठे काम है नो no डाउट लेकिन वो मजा नहीं आ रहा है क्योंकि आप लोग नहीं हो सामने स्टूडेंट्स नहीं है इंटरेक्शन नहीं है फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ आप लोगों को वैसे आपको भी कोशिश करना है कि आपको मेरे को बेस्ट नहीं देना आपको अपने आप को ही बेस्ट देना है आपको अपने आपको ही बेस्ट देना है आपको अपनी ही सेवा करना है मेरी सेवा नहीं करना है मैं तो आपकी सेवा करने की कोशिश कर रहा हूं तो प्लीज़ पॉजिटिव रखो माइंड को पॉजिटिव बहुत जरूरी है टेंशन ना लो ठीक है ये लाइफ ये पीरियड डिफिकल्ट है निकल जाएगा टेम्प्ररी है थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू ऑल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीक टेक केयर I don't know. अबे जाओ ना नहीं जाना है क्या आज